नमस्कार, कंपटीशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है। मैं विकास सिंह, आज हम लोग बात करने वाले हैं नदियों के बारे में। देखिए, इससे पहले जो हम नदियों के बारे में बात कर रहे थे ना, उसमें हम लोगों ने बात किया था आपसे इंडस रिवर के बारे में, और उससे पहले हमने हिमालय और पेनिनसुलर रिवर इंडिया की जो नदियां हैं उसके डिफरेंसेस की भी चर्चा किया था। हमने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से नदियों को बांट करके हम अच्छे तरीके से अरेंज तरीके से पढ़ते हैं, वो भी बात हमने आपके साथ किया था। इंडस रिवर सिस्टम के बारे में तो बात किया ही था, आज हम लोग बात कर लेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ये बात करने के बाद हमारा हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उसकी रिवर सिस्टम की बात यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। यानी कि जो बात हम लोगों ने शुरू किया था कि हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, फिर पेनिनसुलर को हम लोगों ने अलग तरीके से बांटा था, तो हिमालय के अंदर हमने इंडस कर लिया है, गंगा और ब्रह्मपुत्र को हम कर लेंगे तो फिर हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम आज समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में बात कर लेंगे। बिल्कुल भी लोड नहीं लीजिएगा, जिस तरीके से हमने आपको इंडस रिवर सिस्टम में बिल्कुल मैप के साथ आपको बात किया था, उसी तरीके से हम गंगा रिवर सिस्टम में भी मैप के साथ आपसे बात करेंगे। मैप को ही बताएंगे आपको, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर हो सके तो आप मैप को हमारे साथ ड्रॉ करते हुए चलिए, ठीक है। जिस तरीके से मैं छोटी छोटी बातों को ड्रॉ करते हुए चलूंगा और कुछ ना कुछ पॉइंट बनाते हुए चलूंगा ना, तो आप भी कुछ ना कुछ पॉइंट बनाते हुए आगे चलेंगे। इससे क्या होगा कि मैप के साथ आपका अपनापन हो जाएगा और फिर क्या बोलते हैं, याद रह जाएगा वो चीजें, ज्यादा दिनों तक आप उसको याद रख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं इंडस रिवर सिस्टम के बाद गंगा रिवर सिस्टम को हम लोग शुरू करने वाले हैं आज की नदी में। चलिए, तो गंगा रिवर सिस्टम आप अपने कॉपी में नोट में बना लीजिए, हेडिंग में गंगा रिवर सिस्टम। और ये जो आपके सामने में दिखाई दे रहा है ये गंगा रिवर सिस्टम है, यानी कि पूरा गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों रिवर सिस्टम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे मैप को लेकर के चर्चा करेंगे, उसके बाद जो लिखने की प्रोसेस है वो सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो उसके लिए भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप हमारे साथ यहाँ पे बने रहें, आप एक एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहे, आपको एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा हर सिस्टम के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें गंगा रिवर सिस्टम में, तो गंगा रिवर सिस्टम का सबसे बड़ा जो सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम के अंतर्गत भी जो सबसे बड़ा रिवर है जिसके नाम से ये पूरा सिस्टम है, उस नदी को सबसे पहले पढ़ते हैं और वो है गंगा। जानते हैं गंगा उत्तर भारत की लाइफ लाइन कही जाती है, गंगा उत्तर भारत की लाइफ लाइन, इसको आप लिख लीजिएगा लाइफ लाइन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, या फिर इसको हम ये कह सकते हैं कि गंगा को लाइफ लाइन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ये भी सही होगा। तो आप लाइफ लाइन ऑफ इंडिया भी लिख सकते हैं गंगा के बारे में। मैं फिर से बताऊं, लाइफ लाइन ऑफ नॉर्थ इंडिया और इंडिया, दोनों में से कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं, ये सही होगा गंगा के बारे में। जब हम गंगा के बारे में बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो किन किन राज्यों से गुजरती है, कहाँ से निकलती है और क्या उसकी कैरेक्टर है। हम छोटी छोटी बातों को यहाँ पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे और उन छोटी बातों का क्या प्रभाव है हमारे जीवन पे, उसको भी हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा मेरे तरफ मैप भी, जैसे तरीके से मैं मैप पे पेन चलाया हूं, मैं मैप पे पेन चलाते हुए चलूंगा और आप भी उस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, ये गंगा है, निकलती कहाँ से है उसके बारे में हम एक बार बात कर ले, तो निकलती है गंगोत्री से। कहां से निकलती है? गंगोत्री से। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, इसका ओरिजिन है गंगोत्री, गंगोत्री इसका ओरिजिन है, जो कि कहां है? गंगोत्री उत्तराखंड में है। तो इसको बात को आप लिख लीजिएगा, गंगोत्री उत्तराखंड में, इसका ओरिजिन है गंगोत्री उत्तराखंड में, ठीक है ना, ये बात लिख लीजिए आप लोगों ने। ठीक है, तो इसका ओरिजिन कहां है? इसका ओरिजिन है गंगोत्री उत्तराखंड। अब यहां पर देखिएगा, इस जगह पे जब गंगा निकलती है तो उसके निकलने से पहले दो धारा गंगा में आकर के मिलती है देवप्रयाग के पास, देवप्रयाग, ठीक है, दो धारा देवप्रयाग के पास या देवप्रयाग में गंगा से आके मिलती है। एक है अलकनंदा की धारा और एक है भागीरथी की धारा। ध्यान दीजिएगा,
अलकनंदा और भागीरथी की धारा आकर के देवप्रयाग में मिल जाती है और वहां से ये गंगा के नाम से आगे प्रवाहित हो जाती है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैंने क्या बताया, गंगा निकलती कहाँ है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से। और दूसरी बात क्या है कि अलकनंदा और भागीरथी की कंबाइन रिवर देवप्रयाग में मिलती है और वहां के में ये गंगा के नाम से आगे बढ़ जाती है। ये दोनों बातें एग्जाम में अलग अलग पॉइंट पे पूछा हुआ है, इसलिए मुझे ये बताना जरूरी है। तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, हो गया। चलिए देवप्रयाग से आगे बढ़ते हैं तो गंगा को आप देखेंगे कि आगे बढ़ते हुए ये यहां से इस तरीके से आगे बढ़ते हुए और मैदानी भाग में यहाँ पे इंटर करती है। मैदानी भाग में, चूंकि मैंने आपको मैदान पढ़ा दिया है, मैदान के बारे में बात बता दिया है, तो आपने वहां पे जरूर देखा होगा कि किस तरीके से जब कोई ग्लेशियर से खास करके हिमालय नदियां ग्लेशियर से निकलती है तो वो पहले भावर के इलाकों में यानी कि पथरीली इलाकों से होते हुए और तब मैदानी इलाकों में आती है। तो वही ये पथरीली इलाका है, ये भावर का इलाका है और यहाँ से इंटर होते हुए मैदानी इलाकों में आती है। और मैदानी इलाकों में यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो इलाका है ये उत्तराखंड का है, ठीक है, ये यूके का इलाका है उत्तराखंड का, लेकिन उत्तराखंड के बाद ये यूपी में चली जाती है, यूपी। तो मैं उत्तर प्रदेश यहाँ पे यूपी लिख देता हूँ, यानी कि फिर क्या, उत्तर प्रदेश में बहना शुरू कर देती है गंगा। उत्तर प्रदेश में से बहते हुए और ये पटना यानी कि बिहार पहुंचती है। बिहार कहाँ पहुंचती है, बिहार, उत्तर प्रदेश से बहते हुए कहाँ पहुंचती है, बिहार। और बिहार से आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा बाउंड्री यहाँ पर देखिएगा, इस जगह पे जहां पर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मोटा किया है, ये झारखंड का साहेबगंज जगह है। झारखंड में एक साहेबगंज जगह है जहां पे ये बाउंड्री बनाती है बिहार और झारखंड के बीच में। तो कहीं ना कहीं जब गंगा को पूछा जाता है कि किन किन राज्यों से बहती है तो झारखंड को भी उसमें समाहित कर लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही बाउंड्री पे यानी झारखंड के बिल्कुल बाउंड्री पे गंगा बहती हुई वेस्ट बंगाल में चली जाती है। तो झारखंड के साहेबगंज का इलाका है वो, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप स्टेट को नोट करेंगे, स्टेट लिखेंगे, तो झारखंड के ब्रैकेट में साहेबगंज जरूर आप लिख देंगे। तो बिहार झारखंड होते हुए और वेस्ट बंगाल में ये क्या करती है, प्रवेश करती है वेस्ट बंगाल में गंगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल। तो मैं यहाँ पे अब वेस्ट बंगाल कर देता हूं, डब्ल्यू बी, वेस्ट बंगाल कर दिया। अब यहां पे चीजों को देखने की फिर से मैं कोशिश करता हूं, तो गंगा कितने राज्यों से होके गुजरती है ये देखिए, तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, यानी कि पांच राज्यों से होके गुजरती है गंगा। कितने पर राज्यों से, पांच राज्यों से। पहला पॉइंट तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा अपने कॉपी में कि पांच राज्यों से होके गंगा गुजरती है, एक। दूसरा बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि गंगा की जो टोटल किलोमीटर है वो 2400 किलोमीटर है। टोटल कितना है, 2400 किलोमीटर है, सॉरी 2525 किलोमीटर है, सॉरी गंगा का टोटल किलोमीटर 2525 है। टोटल किलोमीटर कितना है, 2525 है गंगा का टोटल किलोमीटर, 2525 है। टोटल किलोमीटर कितना है, 2525 किलोमीटर। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, अपने कॉपी में इसको नोट कर लेंगे। अब चूंकि आप यहां से देख रहे हैं कि गंगा यहां से निकलती आ रही है उत्तराखंड से, मैं इसको थोड़ा अच्छे से और कर दूं, और इस तरीके से यूपी से बहते हुए आती है, तो यहां पर देखिएगा यूपी से जब बहते हुए आती है ना, तो यहां पे एक यमुना नाम सुना होगा नदी आकर के गंगा में मिल जाती है। और संगम जैसे शब्द आप सुने होंगे, जहां पे आप जानते हैं कि क्या बोलते हैं, मेला लगता है बहुत बड़ा मेला कुंभ का, तो संगम में आकर के यमुना यहाँ पे मिल जाती है, जिसको इलाहाबाद में ही वहां पे उसको संगम कहा जाता है जहां पे ये आके मिलती है। तो इलाहाबाद में यमुना गंगा से आकर के क्या होती है, मिल जाती है। जब हम आपको यमुना पढ़ाएंगे ना, तो फिर से ये बात हम आपको बोलेंगे और बार बार बोल करके आपको याद ही दिला देंगे, हालांकि कुछ चीजें आपको तो पहले से पता होता है।
उसके बाद ये वाराणसी होते हुए आप जानते हैं यहाँ से हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव जीतते हैं वाराणसी, तो वाराणसी होते हुए पटना से होते हुए यानी कि बिहार और झारखंड का थोड़ा सा इलाका और वेस्ट बंगाल पहुंचता है। ठीक है, हो गया। तो इन पांचों राज्यों का नाम आप जरूर लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। उसके बाद देखिए जरा गौर से देखेंगे हर चीज को। ठीक है, गौर से देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में गंगा की धारा दो भागों में बढ़ जाती है। वेस्ट बंगाल में गंगा की धारा दो भागों में बढ़ जाती है। यहाँ पर देखिए बड़े गौर से, एक धारा है जिसको हुगली कहते हैं, हुगली, एक धारा जो हुगली, और आप जानते हैं हुगली नदी के बारे में, ठीक है ना, कलकत्ता इसी नदी के किनारे है, सॉरी हावड़ा इसी नदी के किनारे है, आपको पता है। तो हुगली नदी के नाम से एक धारा बट जाती है और दूसरी धारा पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवाहित हो जाती है। तो मैं फिर से बताऊं कि गंगा की दो धारा वेस्ट बंगाल में हो जाती है, तो आप क्या लिखेंगे कि गंगा डिवाइड इनटू टू स्ट्रीम इन वेस्ट बंगाल, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड हुगली इन हावड़ा यानी वेस्ट बंगाल एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड पद्मा इन बांग्लादेश। याद रखिएगा इस बात को, गलती मत कीजिएगा किसी भी हाल में। तो बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है, पद्मा, इस बात को याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल में गंगा की धारा को क्या कहा जाता है, हुगली, इस बात को याद रखिएगा। कितने राज्यों से होकर गुजर रही है गंगा जो अभी तक आपने देखा, तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, पांच राज्यों से होकर गुजर रही है। टोटल किलोमीटर कितनी है, तो 25 यानी 2525 किलोमीटर है। कहां से निकलती है, तो उत्तराखंड ग्लेशियर से निकलती है, सॉरी उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा। ये सारी बातें हो गई। किसकी कंबाइन रिवर है, तो अलकनंदा और भागीरथी की कंबाइन रिवर है जो देवप्रयाग में मिलती है और वहां से गंगा नाम के आगे बढ़ती है। ये इतने सारे बात जो मैंने आपको बताया सभी एग्जाम के क्वेश्चन है और सबको आप अपने पॉइंट में नोट्स में नोट आउट करेंगे, सबको आप नोट आउट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा जब पद्मा से, यहां पर पद्मा के नाम से बांग्लादेश में बह रही होती है, तो उसी समय ब्रह्मपुत्रा, हालांकि मैं ब्रह्मपुत्रा में अलग से पढ़ाऊंगा लेकिन फिर भी मैं बताता हूं, उसी समय ब्रह्मपुत्रा जमुना के नाम से आकर के इस पद्मा के साथ मिलती है, जमुना के नाम से आकर के इस पद्मा के साथ मिल जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा का येलो कर देता हूं मैं, ये ब्रह्मपुत्रा है, आप बनाएंगे नहीं, ब्रह्मपुत्रा नहीं बनाएंगे, सिर्फ गंगा बनाएंगे, मैं ब्रह्मपुत्रा दिखाने के लिए कर रहा हूं। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा मैं सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूं, आप लोग बनाएंगे नहीं ब्रह्मपुत्रा को, सिर्फ गंगा बनाएंगे अगर बनाना है तो। ठीक है ना, चलिए। तो ब्रह्मपुत्रा जो कि पद्मा के नाम से आके गंगा से मिल जाती है यहाँ पे, कहाँ, बांग्लादेश में, और फिर वहां से दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट क्या लिखेंगे कि गंगा के बारे में, कि गंगा ब्रह्मपुत्रा से मिल करके दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जिसको क्या नाम है, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। मैं कलर चेंज कर दूं अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो। ठीक है, सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा बनाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन सा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा बनाती है जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों में फैला हुआ है और दुनिया का ये सबसे बड़ा डेल्टा है। चलिए यहां तक बात आ गया, यानी कि गंगा के ओरिजिन से लेकर के हम सुंदरबन डेल्टा तक की बात यहाँ पे आपसे कर लिया है। पॉइंट यहाँ पर यह है कि सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन क्यों है, तो वहीं पे जहां पे आपने सुंदरबन लिखा होगा वहीं पे एक एरो लगा करके आप लिख लीजिएगा कि सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक पेड़ पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, सुंदरी नामक पेड़ पाया जाता है, इसलिए इसको सुंदरबन कहा जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सुंदरबन। यह एक ज्वारीय वन है, ज्वारीय वन यानी कि इसको मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट या ज्वारीय वन कहा जाता है सुंदरबन को, इस बात को भी याद रखिएगा। जब हम फॉरेस्ट पढ़ाएंगे तो मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में जरूर आपसे बात हम यहाँ पे करेंगे। चलिए अब हो गई ये गंगा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट।
अब देखते हैं कि गंगा के कुछ सहायक नदियों के बारे में। ये तो आपने गंगा को देख लिया, यहाँ ब्रह्मपुत्र है, इसको बनाएंगे नहीं, हम गंगा के बारे में बात कर रहे हैं। अब गंगा के कुछ सहायक नदियों के बारे में आपसे बात कर ले तो गंगा के कुछ सहायक नदियों में आप देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट एक है यमुना। मैं यमुना को दूसरे कलर से करता हूं, यमुना जितने भी सहायक नदी है उसको मैं दूसरे कलर से करूंगा, ठीक है। ये यमुना है जो गंगा में जाकर के मिल जाती है, ठीक है, यमुना है, ये यमुना है। अब यमुना कहां से निकलती है तो ये भी उत्तराखंड से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना उत्तराखंड से, और 1376 किलोमीटर 1376 मैं लिख देता हूं 1376 किलोमीटर का सफर तय करके और ये इलाहाबाद के पास गंगा में मिल जाती है, इलाहाबाद के पास गंगा में मिल जाती है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जहां भी दो नदियां मिलती है ना तो उसके बीच में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो बसावट का क्षेत्र होता है। जैसे कि देखिए यमुना यहाँ गंगा से मिल रही है और ये गंगा यहाँ, तो ये बीच का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं द्वाब एरिया। तो द्वाब का मतलब होता है दो आब, दो नदियों के बीच का जो जगह है उसको द्वाब कहते हैं, ठीक है। तो हमेशा द्वाब का क्षेत्र कहां होगा, जहां दो नदी ऐसे अगर मिलेंगे तो ये जो एरिया होगा, इस जगह का जो एरिया, इसको द्वाब कहा जाएगा। तो ये गंगा यमुना द्वाब है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, बड़ा उपजाऊ जगह है, ठीक है। चलिए अब चूंकि मैंने आपको मैदान या मैंने प्लेन आपको पढ़ा दिया है जिसमें मैंने आपको बताया था कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से लगातार डिपॉजिट करके और नॉर्दर्न इंडियन प्लेन या इंडो गंगेटिक प्लेन को बनाया गया है जो कि दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी में से एक है, ये बात हमने आपको बताया था। हालांकि उसको इंडस गंगा के मैदान कहा गया था, ये भी बात मैंने आपको बताया था, और भी बहुत सारी चीजें वहां पे हमने आपको बताया था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे यमुना मिल जाती है कहाँ, इलाहाबाद के पास यमुना। अब यमुना यहाँ पे है तो जरा यमुना की ट्रिब्यूटरीज को देखते हैं, तो यमुना की ट्रिब्यूटरीज को हम दूसरे कलर से करते हैं, रेड कलर से। देखो ये यमुना की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है जिसको बोलते हैं चंबल। नाम सुना होगा, चंबल के लुटेरे, चंबल की रानी, चंबल का डाकू, चंबल का ये, चंबल की बागी, बहुत सारे नाम आपने सुना होगा चंबल को लेकर के, ठीक है। तो जो भी नाम सुना होगा वो तो अपने तरफ से है, उसका तो मैं ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो नाम सुना है उसकी बात करते हैं। चंबल है ये, निकलती कहां से वो देखो, निकलती है जाना पाव पहाड़ी से। कहां से निकलती है, जाना पाव पहाड़ी, महू एमपी, महू एमपी, मऊ नहीं बेटा, मऊ फिर यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, महू एमपी, जाना पाव पहाड़ी से निकलती है चंबल। मैंने रेड कलर से चंबल को कर दिया, ठीक है ना, चंबल रेड। और ये किसकी सहायक नदी है, तो ये यमुना की सहायक नदी है चंबल। हम सारे नदियों के बारे में वहां पे लिखित रूप से बता देंगे, यहाँ पे मैं आपको कुछ मैप को अरेंज तरीके से बताता हूँ। पहले मैंने गंगा बताया, गंगा का एक सहायक नदी यमुना बताया जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी बता करके यहाँ कुछ चीजों को समाप्त करके और फिर हम गंगा की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो ये चंबल है, और चंबल का ओरिजिन कहाँ है, जानापा हिल्स, महू एमपी, ये बात आप अपने कॉपी जरूर लिख लीजिएगा। और चंबल यमुना में जाके मिल जाती है, ये बात भी अपने कॉपी में आप लिख लीजिएगा। चंबल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि चंबल अपने महाखड्ड के लिए जानी जाती है, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि चंबल अपने महाखड्ड के लिए या अवनालिका अपरदन के लिए जानी जाती है। क्योंकि चंबल चलते हुए बहुत ज्यादा कटाव करती है और बहुत बड़ा बड़ा गड्ढे का निर्माण करती है या की हुई है अपने क्षेत्रों में, इसलिए उस जगह को चंबल का जो बीहर कहते हैं वो वही क्षेत्र है। चंबल के द्वारा बनाए गए स्थलाकृति है जो महान खड्डे हैं, बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं जिसमें की असामाजिक तत्व, तो जिसको आप गवर्नमेंट के हिसाब से कह सकते हैं, छुपे हुए रहते हैं, छुप जाते हैं। और ये एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि कौन ऐसी नदी है जो महाखड्ड बनाती है, कौन ऐसी नदी है जो गली इरोजन, इंग्लिश में बोलते हैं गली इरोजन के लिए जाना जाता है, तो उसको हम कहते हैं चंबल, ठीक है। गली इरोजन या अवनालिका अपरदन के लिए जानी जाती है, उसको हम कहते हैं चंबल नदी अवनालिका अपरदन के लिए जानी जाती है। तो चंबल नदी से यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर बनाएंगे। इसके बाद यमुना का हम दूसरे सहायक नदी के बारे में बात कर ले तो बेतवा है।
ठीक है, बेतवा है, ये बात आप यहाँ पे लिख लीजिएगा यमुना के सहायक नदी में, ठीक है ना। चलिए तो चंबल और बेतवा दो नदी लिख लीजिए, एक और नदी लिखना चाह रहे तो केन लिख लीजिए, केन ये भी चंबल का सहायक नदी है, ऐसे यमुना का सहायक नदी है, तो इसको भी पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे यमुना को रोकते हैं और यमुना की कहानी को यहाँ पे बंद कर देते हैं। उसके बाद गंगा की कहानी, चूंकि हम ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहे थे तो उसमें एक यमुना देख लिए, चंबल देख लिए जो यमुना का सहायक नदी था, तो यहाँ पे यमुना की कहानी समाप्त हो गई, चंबल भी समाप्त हो गया। अब हम गंगा को आगे बढ़ाते हैं, गंगा की सहायक नदी यहां पर देखिए ये है तमसा, गंगा की सहायक नदी ये है तमसा, ठीक है तमसा, तो आप लिख सकते हैं तमसा। ये है सोन, द वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है सोन नदी से, यह है सोन, पटना के पास गंगा में मिल जाती है, एक बात याद रखिएगा। ये जितने हैं ये सब राइट ट्रिब्यूटरीज हैं, जो मैंने अभी तक बताया है यमुना तमसा सोन, ये राइट ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज नहीं है, क्योंकि गंगा देखिए इस तरफ बह रही है इस तरफ, और ऐसे अगर मैं देखूं तो ये लेफ्ट ये राइट, तो ये राइट ट्रिब्यूटरीज है, ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज होगा, ये राइट ये लेफ्ट, ठीक है ना, तो ये राइट ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है ना। चलिए तो आप अगर आपसे राइट ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज करके बात करें तो भी आप उसको संभाल के रख लीजिएगा, राइट ट्रिब्यूटरीज लिख करके, और लिख लीजिए यमुना तमसा सोन, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए सोन के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, देखो मैं एक एक करके बात भी करते हुए चलता हूं, आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा, मैं आपको आश्वासन देता हूं, लेकिन बात करते हुए इसलिए चलता हूं क्योंकि मैप पे बात करने से चीजें ज्यादा याद रहती है। इसलिए सोन कहां से निकलती है, तो सोन निकलती है अमरकंटक से, लिख देता हूं मैं अमरकंटक, सोन निकलती है अमरकंटक से, अमरकंटक से सोन निकलती है, सतपुरा का ही एक विस्तारित रूप है अमरकंटक, वहां से सोन निकलती है। अमरकंटक से एक और नदी निकलती है नर्मदा, तो दो बड़ा इंपॉर्टेंट नदी अमरकंटक से निकल रही है, नर्मदा और सोन। तो नर्मदा को तो हम बाद में पढ़ेंगे, सोन को अभी हमको पढ़ना होगा, क्योंकि ये सहायक नदी है किसकी, गंगा की, इसलिए ठीक है। सोन अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बिल्कुल बॉर्डर है, MPUSA मान लेते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद जब सोन नदी आगे बढ़ती है तो इसके ऊपर में एक सागर, इसके ऊपर में एक डैम बनाया हुआ है, इसके ऊपर में एक बांध बनाया हुआ है, बांध सागर, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है, बांध सागर बांध सोन नदी के ऊपर में है, बांध सागर बांध, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो बांध सागर बांध है सोन नदी के ऊपर में, और ये सोन पटना के पास आके गंगा में मिल जाती है, कहां मिल जाती है, पटना के पास आकर के गंगा में, ठीक है। और ये सोन नदी अपने बालू के डिपॉजिट के लिए जानी जाती है, सैंड डिपॉजिट, रेड कलर का बालू, अगर आप पटना वगैरह में या नॉर्थ बिहार में, बिहार में लाल कलर की बालू अगर आप देखते हैं तो मैक्सिमम बालू सोन नदी का ही है, और उस बालू को खुदाई के लिए पता नहीं कितने गलत तरीके के काम होते हैं वहां पे, गोली बंदूक और ये और वो, वर्चस्व की लड़ाई और दुनिया भर की कहानियां चलती है, तो इसको हम वहां पे बात नहीं करेंगे, लेकिन बस ये समझ लीजिए कि लाल कलर की बालू, चूंकि देखो ये कहां से निकल रहा है सोन, सोन निकल रहा है अमरकंटक से, यानी कि ये पेनिनसुलर इंडिया से निकल रहा है, और नॉर्थ इंडिया में यानी कि नए मैदान में जाकर के पहुंच रहा है, क्योंकि ये पहाड़ी से निकलती है तो अपने साथ पहाड़ को लेकर के फिर उसको तोड़ते फोड़ते अपने रास्ते में बनाते हुए, तो बालू का कण रेड कलर का बन जाता है और वो पटना के आसपास बिछ जाता है चारों तरफ, और वही बालू खुदाई करके या उसकी बालू को खनन करके पूरे बिहार में ऑलमोस्ट सप्लाई किया जाता है, जो रेड कलर के बालू जिसे घर बनता है, ठीक है। चलिए तो ये सोन नदी है जो अपने सैंड डिपॉजिट बालू के लिए जाने जाते हैं, अपने सैंड डिपॉजिट के लिए जाना जाता है पटना में बिहार में, ठीक है ना। सोन नदी, मैंने बांध सागर बांध के बारे में बात किया था, सोन नदी के बारे में, अमरकंटक से निकलती है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में सोन नदी के बारे में पूछ चुका है। तो ये यहां पे मैंने आपको राइट ट्रिब्यूटरीज दो तीन बताया, उसके बाद लेफ्ट ट्रिब्यूटरी चलते हैं गंगा का। लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज देखिए, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज में एक है रामगंगा, यहां पे आपको दिख रहा होगा ट्रिब्यूटरीज को, चूंकि मैं आपको यहां पे बैगनी कलर से बना रहा हूं, वायलेट कलर से, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये रामगंगा है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ये गोमती है, गोमती नाम सुना होगा, गोमती, गोमती नदी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, लखनऊ इसी नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे, तो नाम तो गोमती नदी का आपने बहुत सुना होगा,
जब आप रामायण पढ़ेंगे तो वहां भी आपको गोमती नदी का नाम आपको सुन जाएंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद ये है घाघरा, ये घाघरा है, बड़ी लंबी नदी है घाघरा। बहुत लंबी नदी है घाघरा, ठीक है, आप कॉमा कॉमा करके लिखते हुए चलेंगे। उसके बाद ये गंडक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बूढ़ी गंडक भी कह देते हैं इसको, गंडक भी कह देते हैं, बूढ़ी गंडक भी कह देते हैं। इंपॉर्टेंट किस लिए है वो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसी गंडक के किनारे में, इसी गंडक के किनारे में दुनिया का या एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर पशु मेला लगता है इसी गंडक नदी और गंगा नदी के किनारे पे। और ये हाजीपुर के पास, पटना के नजदीक ही हाजीपुर एक शहर है, हाजीपुर के पास ये पटना में जाकर गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है सोनपुर में गंडक, ठीक है ना। हाजीपुर के पास मिल जाती है सोनपुर, हाजीपुर सोनपुर के पास मिल जाती है गंगा नदी में गंडक। और वहीं पे सोनपुर का मेला जो दुनिया का या एशिया का सबसे बड़ा विशाल पशु मेला है वो लगता है इसी नदी के किनारे, गंडक नदी के किनारे। और इसके आध्यात्मिक महत्व भी है, कहते हैं कि भगवान इंद्र के जो हाथी है वो पानी पीने के लिए गए थे तो वहां पे ग्राह पकड़ लिया था, तो गजग्राह का मंदिर भी यहाँ पे और वहां पे उनकी मूर्ति भी बनी हुई है। तो ये आध्यात्मिक तरीके से, तो इसलिए ये फेमस है गंडक, ठीक है। गंडक क्या है, फेमस है, बूढ़ी गंडक या गंडक के नाम से जाना जाता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट एक नदी के बारे में बताते हैं जो एग्जाम का बड़ा ही प्यारा नदी है, एग्जाम के लिए प्यारा है, वो है कोसी। बिहार का शोक कहा जाता है इसे, कोसी नदी। देखिए मैं कोसी नदी को बना रहा हूं, ठीक है, बिहार का शोक कहा जाता है इसे, कोसी नदी। एग्जाम के लिए बड़ा प्यारा नदी है कोसी, बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी को बिहार का शोक, सौरव और बिहार कहते हैं, कई बार ये बात मैं बता चुका हूं चूंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया है। मार्ग बदलने में के लिए भी जानी जाती है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि कौन ऐसी नदी है जो अपने मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए जानी जाती है, तो वो नदी कौन सी है, कोसी है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। और ये गंगा में आकर के कोसी क्या होती है, मिल जाती है गंगा में आकर के कोसी, ठीक है। तो कोसी बड़ा इंपॉर्टेंट नदी है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये चूंकि सात नदियों का धारा है इसलिए इसे सप्तकोसी भी कहते हैं, सात नदियों का धारा है इसलिए इसे सप्तकोसी भी कहते हैं, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कोसी के बाद एक नदी है महानंदा, एक नदी है महानंदा, कोसी के बाद महानंदा, ठीक है। महानंदा एक नदी है, ये दरअसल बिहार बंगाल और बांग्लादेश, बिहार वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर का निर्माण करती है ये नदी, बिहार बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच बॉर्डर का निर्माण करती है, और इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट नदी हो जाता है इस हिसाब से, बॉर्डर के निर्माण के हिसाब से। और ये फिर लास्ट में आकर गंगा में मिल जाती है, महानंदा है ये, महानंदा। तो आपको नदियों के बारे में ध्यान में आ गया होगा कि कौन कौन सी नदी की बात कर रहे थे, तो मैं फिर से बताऊं, ये रामगंगा है, ये गोमती है, ये घाघरा है, ये गंडक है, ये कोसी है, यहाँ पे मैं कोसी लिख दूं, कोसी लिखा हुआ होगा, मैं फिर से लिख दूं, ये कोसी है और ये महानंदा है। ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है, राइट ट्रिब्यूटरीज में हमने बताया क्या, यमुना तमसा सोन, ये राइट ट्रिब्यूटरीज है। पुनपुन भी लिख सकते हैं राइट ट्रिब्यूटरीज में, कौन सी नदी, पुनपुन, पटना के पास है बिल्कुल, पुनपुन मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दरअसल पटना जो है ना तीन नदियों से घिरा हुआ भी है, पटना तीन नदियों से घिरा हुआ है, एक तरफ पुनपुन, एक तरफ सोन और एक तरफ गंगा, ठीक है। तो पटना तीन नदियों से घिरा हुआ भी है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। इसलिए पुरातन समय में यानी कि जब हम एंशियंट इंडिया पढ़ते हैं तो पटना को राजधानी बनाया गया था मगधों का, क्योंकि वो बड़ा सेफ था, तीनों तरफ से जल दुर्ग से घिरा हुआ था, और जल दुर्ग को भेद करना कर पटना पहुंचना किसी भी दुश्मन के लिए बहुत असंभव था, क्योंकि ये नदियां बहुत बड़ी बड़ी है और अपने जून से लेकर के और
नवंबर तक, लगभग सितंबर नवंबर तक, तो इसमें पानी इतना ज्यादा होता है कि आप ऐसे भी नहीं जा सकते हैं। और बाकी दिनों भी चूंकि ग्लेशियर से पानी पटना गंगा में मिलती है तो वहां पर भी पानी बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए पटना अभेद दुर्ग था, इस वजह से पटना को राजधानी बनाया गया था जल दुर्ग की वजह से। तो तीन नदियों के बीच में पटना घिरा हुआ, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। तो पुनपुन को भी मैंने एक ट्रिब्यूटरीज के रूप में यहाँ पे ले लिया है। तो यहाँ पे गंगा हमारा कंप्लीट हो जाता है। मैंने यमुना को छोड़ दिया है जो येलो कलर से है, इसको आप बिल्कुल भी मत, सॉरी मैंने आपको ब्रह्मपुत्रा को छोड़ दिया है, इसको बिल्कुल भी आप टच ना करेंगे। आप सिर्फ गंगा को लेकर के अगर आप बना सकते फिगर जैसे जैसे मैं बनाया वैसे वैसे बना लीजिए, ऐसे ऐसे खींच खींच करके लो एक तरफ से, इसको 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 ऐसे अंदाजा से लगा करके और उस तरीके से बना लीजिए। आपने कुछ लोग बनाया भी होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने घर पे बनाने की कोशिश कीजिए ब्लैंक मैप पे, ये बहुत जरूरी है। और जिन जिन राज्यों से मैंने बोला है कि कहां कहां से पास हुआ है, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, मैं फिर क्या बोल रहा हूं उसको सुनिए। जिन जिन राज्यों से मैंने बोला है कि ये पास हुआ है, उन राज्यों से आप पास करवाइए अपने ब्लैंक मैप पे गंगा को, और वहीं पे उसको बनाने की कोशिश कीजिए, उसके ट्रिब्यूटरीज को, और फिर यमुना के भी ट्रिब्यूटरीज को बनाने की कोशिश कीजिए, जो चंबल और तमसा मैंने बितवा और केन मैंने आपको बताया है। तो पॉइंट इससे क्या होता है कि एग्जाम का क्वेश्चन यहां से सॉल्व होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए मैं एग्जाम के क्वेश्चन की ही बात करते हुए चल रहा हूं, और जो भी मैंने बात बोला है अगर आप में से बच्चे उसको लिख रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लिखा हुआ तो आपको मिल ही जाएगा। एक पॉइंट और मैं बताता हूं जो एग्जाम का क्वेश्चन है, जिसको बड़े प्यार से आप देखिएगा कि देखिए चंबल हो या पार्वती, यहां पर देखो ये पार्वती है, पार्वती हो, बेतवा हो, तमसा हो, सोन हो, पुनपुन हो, मैं फिर से बताऊं, चंबल हो, पार्वती हो, चंबल का ट्रिब्यूटरीज है पार्वती, चंबल हो, पार्वती हो, बेतवा हो, तमसा हो, सोन हो, पुनपुन हो, ये सारी नदी ध्यान से आप देख रहे होंगे साउथ से बह करके नॉर्थ की तरफ जा रही है। ध्यान से देखिए, साउथ से बह करके नॉर्थ की तरफ जा रही है, साउथ से बह करके नॉर्थ की तरफ जा रही है, साउथ से बह करके नॉर्थ की तरफ जा रही है, साउथ की तरफ बह करके नॉर्थ की तरफ जा रही है ना। तो इसका मतलब ये एग्जाम का यहाँ से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या पूछता है कि इनमें से कौन सी नदी दक्षिण से बह करके उत्तर की तरफ आती है। अब आप चकरा जाएंगे, ठीक है। तो जब आपको ये चीजें याद रहेंगी ना, अगर आप गंगा की ट्रिब्यूटरीज आपको याद रहेगा ना कि राइट हैंड का जितने भी ट्रिब्यूटरीज है सब साउथ से नॉर्थ ही बहती है, तो आप वहां पर तुरंत टिक कर लेंगे। पढ़ा मैंने आपको दिया है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन बदल देगा तो आप वहां पर कहेंगे क्या हो गया सर, तो ऐसा पढ़ाया नहीं कि कौन किस डायरेक्शन में बहती है। मैंने पढ़ाया है पुनपुन को, मैंने पढ़ाया है सोन को, मैंने पढ़ाया है तमसा को, मैंने मैप भी दिखाया है, लेकिन चूंकि आप इसको ध्यान नहीं देंगे तो आपको वहां पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा और गलत टिक करके चले जाएंगे। इसलिए आप अपने हेडिंग में लिख लीजिए कि रिवर फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, नदियां दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है, अंडरलाइन कर लीजिए, और अंडरलाइन करके लिख लीजिए नाम कौन कौन सा, चंबल, पार्वती, बितवा, तमसा, सोन, पुनपुन, बनास भी लिख सकते हैं, ठीक है, सोन, पुनपुन, बनास भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान में आप रखिएगा इस पॉइंट को। तो ये है आपके गंगा और उसकी सहायक नदी का पूरा मैप, देख करके कभी घबराना नहीं कि कहाँ क्या हो रहा है, बड़े आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। अब जो भी मैंने बताया है वो आपका लिखा हुआ है, आपको लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, कुछ चीजें अगर छूट जाएंगी तो उसको भी हम देख लेंगे। सबसे पहले गंगा, ओरिजिन इसका है गंगोत्री ग्लेशियर, लेंथ है 2525, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2525 किलोमीटर लेंथ है, ये यहाँ पे चीजें गलत है। लेंथ होगा यहाँ पे 2525 किलोमीटर, ये गलत है, 2525 किलोमीटर कर लीजिएगा। इट कंबाइन स्ट्रीम ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा, ठीक है, कंबाइन स्ट्रीम ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा, ये बात हमने आपसे कर लिया था।
बोथ रिवर मीट्स एंड देव प्रयाग, ये बात हमने आपसे कर लिया था। पासेस थ्रू कौन कौन से राज्य से गुजरती है, तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये बात हमने बता दिया था। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जो लेफ्ट बैंक है वो देखियो कौन कौन सा है, राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये बात हमने आपको बताया था। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखो, यही बात मैंने बताया, यमुना, सोन, कर्मनासा, पुनपुन, क्यूल। अब कर्मनासा और क्यूल मैंने आपको नहीं बताया, तो सॉरी, कर्मनासा और क्यूल लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इन वेस्ट बंगाल इट मीट इनटू ब्रह्मपुत्रा एंड मेक्स वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा कॉल्ड सुंदरवन। ये बात मैंने बताया कि वेस्ट बंगाल में ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है, ब्रह्मपुत्रा का नाम वेस्ट बंगाल में जमुना हो जाता है और गंगा का नाम ब्रह्मपुत्रा का नाम बांग्लादेश में जमुना हो जाता है और गंगा का नाम बांग्लादेश में पद्मा हो जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा उसको आप जरूर अपने कॉपी में ऐड करेंगे, बिना ऐड किए रहेंगे नहीं, ठीक है। तो लार्जेस्ट डेल्टा कॉल सुंदरबन डेल्टा, ये बात बता है, इन बांग्लादेश इस इज कॉल्ड पद्मा। तो ये पद्मा तो बता दिया, लेकिन जमुना, जो बांग्लादेश का जमुना था, वो बात हमने आपको नहीं लिखा यहाँ पे, हालांकि जब ब्रह्मपुत्र हम पढ़ाएंगे तो वहां पे हम आपको बता जरूर देंगे। चलिए, यहाँ पे आप कुछ नए पॉइंट को ले लेते हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट है जो 2014 में शुरू हुआ था, ये बात है। ये किस लिए है, तो ये गंगा को क्लीन करने के लिए ये प्रोजेक्ट था, टू क्लीन गंगा। और इस प्रोजेक्ट के नोडल एजेंसी कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन और नेशनल मिशन फॉर क्लियर गंगा इज इंप्लीमेंटेशन बिंग, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम का क्वेश्चन बनता मुझे दिख रहा था, इसलिए मैंने इसको ऐड किया कि इंप्लीमेंट करने वाला जो बिंग है, इंप्लीमेंट करने वाले जो बॉडी है वो कौन है, तो नेशनल मिशन फॉर क्लियर गंगा, ठीक है। ये पॉइंट का ध्यान रखिएगा। और नोडल एजेंसी कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एक, दूसरा रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन दो, तीन इसके नोडल एजेंसी है जिसको आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है गंगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, ये बात ध्यान में रखिएगा, जो कि अगस्त 2016 में शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत कौन कौन से शहर जो गंगा के किनारे हैं उसको लिया गया था। तो इससे क्या होता है कि हमें ये भी पता चल जाता है कि गंगा के किनारे कौन कौन सा शहर है, तो इसको भी आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। दैट इज हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना, साहेबगंज, बैरकपुर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे शहर हैं जिसको क्या बोलते हैं, गंगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत रखा गया था। गंगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको चयनित किया गया है 2016 में उसके डेवलपमेंट के लिए। तो ये गंगा से जुड़े हुए चीजें थी। अब गंगा के सहायक के बारे में हम लोग बात कर ले, सहायक नदियों के बारे में। देखिए, गंगा की सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे तो एक यमुना है, जो मैंने आपको बताया था कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। इसको अगर आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में तो लिख लीजिएगा, सबसे बड़ी सहायक नदी है। यहाँ ओरिजिन क्या है, तो यमुनोत्री है। लेंथ कितना है, तो 1376, ये बात मैंने आपको बता दिया था। गंगा को प्रयागराज या संगम या इलाहाबाद में आकर के मिल जाती है और इसकी सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, वरुणा, बहुत सारे इसकी सहायक नदी, जिसमें आपको चंबल के बारे में बताया था, केन, बेतवा के बारे में मैंने आपको बताया था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हमने आपको बताया था चंबल, चंबल के बारे में अलग से मैं यहाँ पे बताया भी था और यहाँ लिखा भी हूँ। क्या चंबल के बारे में बताया था कि इसकी ओरिजिन मैंने बताया जानापा हिल्स, मऊ, यूपी नहीं एमपी, यूपी का मऊ एक जगह है, यहाँ पे महू है, एमपी का महू, जानापा हिल्स एमपी का महू, और इसकी लेंथ है 1050 किलोमीटर, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और चंबल नदी पे जो डैम बना है उसको देख लेते हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर डैम कंस्ट्रक्टेड किसके ऊपर में, चंबल नदी पे, ध्यान रखिएगा। तीन डैम है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर डैम जो है ना किसके ऊपर कंस्ट्रक्टेड है, चंबल पे। गांधी सागर चूंकि मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर नाम से भी पता चल रहा होगा राजस्थान में है और जवाहर सागर भी राजस्थान में है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे शहर पूछ ले कि कौन से ये डैम किस शहर में है, तो गांधी सागर एमपी में है, राणा प्रताप सागर कहाँ है, राजस्थान में है, जवाहर सागर कहाँ है, राजस्थान में, जो इसके ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है। और ये बड़े बड़े महाखड और गली इरोजन, यानी कि महाखड और अवनालिका अपरदन के लिए जाना जाता है, जो बात हमने आपको पहले शेयर कर दिया है चंबल के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं सोन नदी के बारे में, निकलती कहां से है, अमरकंटक से, ये बात मैंने बताया। लेंथ 784 किलोमीटर, लेंथ मैंने आपको किसी का नहीं बताया था, सिर्फ गंगा को छोड़ करके। सैंड डिपॉजिट के लिए जाना जाता है, ये बात हमने आपको बताया था। और बांध सागर बांध इसके ऊपर में है, ये बात भी हमने आपसे डिस्कस कर लिया था।
दामोदर नदी के बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया था, जिसको सॉरो ऑफ बंगाल कहते हैं, यानी कि बंगाल का दुख कहते हैं इसको। ये भी बात आप अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा और मैं आपको मैप पे दामोदर दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो दामोदर सॉरो ऑफ बंगाल है, ओरिजिन है छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, रिफ्ट वैली में बहती है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम आपको पेनिनसुलर इंडिया पढ़ा रहे थे, तो मैंने आपको कहा था कि नर्मदा, तापी और दामोदर तीन ऐसे नदी है जो रिफ्ट वैली में बहती है। तो ये रिफ्ट वैली में बहती है, इसकी सहायक नदी है बराकर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बराकर नदी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का भी प्यारा नदी है ये बराकर। तो कुनार, बोकारो ये इसके कुछ सहायक नदी है। बराकर एग्जाम का क्यों प्यारा है, क्योंकि तिलैया प्रोजेक्ट जो है ना बराकर नदी पे है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, तिलैया पावर प्रोजेक्ट किस पे है, बराकर नदी पे है। तो ये बात मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि तिलैया प्रोजेक्ट एंड मैथन प्रोजेक्ट आर लोकेटेड ऑन बराकर रिवर, ठीक है, इसलिए एग्जाम का ये प्यारा बन जाता है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन द वेरी फेमस इन इंडिया, ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये जो दामोदर नदी पे है। पंचायत प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन, पंचायत प्रोजेक्ट भी दामोदर नदी पे लोकेट है। तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन और तिलैया जो कि बराकर नदी पे, इस दोनों को जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। और मैंने आपको क्या कहा था कि दामोदर मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा, तो देखिए दामोदर को मैं आपको मैप पे दिखाता हूं। ये है दामोदर और ये जो इलाका है इसको आप देखिएगा, ये है छोटा नागपुर का इलाका और ये दामोदर है, और इस तरीके से बहती हुई हुगली में मिल जाती है। चूंकि आप जानते हैं कि हुगली गंगा का ही एक धारा है, देख रहे हैं ना, गंगा का ही एक धारा है जो वेस्ट बंगाल में दो धाराओं में बढ़ जाती है गंगा। तो ये दामोदर हुगली में बहती है और रिफ्ट वैली का निर्माण करती है, क्योंकि अपने रास्ते में कटाव करते हुए चलती है, इसलिए रिफ्ट वैली बना दिया है। ये बात मैंने आपको रिफ्ट वैली बस समझाते हुए समझाया था, ठीक है ना, इसको लेकर के चिंता नहीं करते हैं। हाँ, यहाँ पे एक नई बात आपको जरूर बता देते हैं कि दामोदर चूंकि छोटा नागपुर से निकलती है, लेकिन छोटा नागपुर के प्लाटेऊ से निकलने के बाद उसी छोटा नागपुर के प्लाटेऊ को दो भागों में बांट देती है। ऊपर के भाग को यानी कि नॉर्थ के भाग को कहते हैं हजारीबाग का प्लाटेऊ और साउथ के भाग को कहते हैं छोटा नागपुर प्लाटेऊ इटसेल्फ, ठीक है। तो दामोदर जब निकलती है तो रिफ्ट वैली बनाती हुई निकलती है, तो उसको दो भागों में बांट देती है। रिफ्ट वैली बनने के बाद दो भाग ऑटोमेटिक दिखाई देने लगेगा, तो ऊपर के भाग को छोटा नागपुर का पठार और हजारीबाग का पठार, और नीचे के भाग यानी कि नॉर्थ के भाग को हजारीबाग का पठार और साउथ के भाग को छोटा नागपुर के पठार कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा और अपने कॉपी में दामोदर के जगह पे नोट जरूर कर लीजिएगा कि ये छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है, उत्तर में हजारीबाग का पठार और दक्षिण में छोटा नागपुर का पठार इटसेल्फ। चलिए, दामोदर के बाद हम लोग बात करते हैं गंडक नदी के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इस गंडक नदी के किनारे भारत का और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, जो कि पटना में हाजीपुर के पास गंगा में मिल जाती है। ये बात मैंने बताया था, आप अपने कॉपी में इसमें नोट कर लीजिएगा। कहाँ से निकलती है, नेपाल हिमालय से गंगा में मिल जाती है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि कौन ऐसा नदी है जिसको, सॉरी, गंडक को नेपाल में क्या कहा जाता है, तो नारायणी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा कि गंडक को नेपाल में नारायणी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कोसी नदी के बारे में। कोसी एंटीसेडेंट रिवर, एंटीसेडेंट रिवर का मतलब क्या होता है कि वैसी नदी जो हिमालय से पुरानी हो, वैसी नदी जो हिमालय से पुरानी हो। तो कोसी भी हिमालय से पुरानी है, और चूंकि मैंने आपको कहा था कि ये सात धाराओं से मिलकर बनी है, इसलिए इसका नाम सप्तकोसी भी कहते हैं। और ये इसको सौरव बिहार है, जो कि बाढ़ का विभीषिका सबसे ज्यादा कोसी नदी से ही बिहार में देखी जाती है, नॉर्थ बिहार में, तो इस वजह से ये इसे सौरव बिहार कहते हैं। और ये अपने रास्ता और अपने धारा बदलने के लिए फ्रीक्वेंटली जानी जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है कि नोन फॉर फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग ऑफ स्ट्रीम। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है कोसी को लेकर के, तो कोसी को लेकर के परेशान नहीं होंगे, एग्जाम का क्वेश्चन जरूर आप यहाँ पे बनाएंगे। महानंदा रिवर, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये बाउंड्री बनाती है बिहार, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, ताकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर कभी बने तो आप इसे यहाँ पे लिख ले। तो ये गंगा और उसकी सहायक नदियों का पूरी की पूरी कहानी हमने यहाँ पे आपसे बता दिया है। अब चूंकि मैंने आपको कहा था कि ब्रह्मपुत्रा भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो मैं ब्रह्मपुत्रा भी बता देता हूं। पहले मैप दिखाऊंगा, मैप समझाऊंगा और फिर ब्रह्मपुत्रा को बताऊंगा। चलिए, येलो कलर से ब्रह्मपुत्रा का मैप हमारा बना हुआ है, तो मैं फिर से येलो कलर ले लूं और मैं फिर से बताऊं।
अब इसका ओरिजिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ओरिजिन इसका क्या है, तो इसका ओरिजिन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसका ओरिजिन है नियर मानसरोवर, छेमा युंगडुंग ग्लेशियर मानसरोवर। तो यहां पे मानसरोवर लिख देता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से मानसरोवर से आप तीन नदी को देखते हैं ओरिजिन होते हुए, एक इंडस, दूसरा सतलज और तीसरा कौन सा है, ब्रह्मपुत्रा। आप अपने कॉपी में इसको जरूर लिखेंगे कि मानसरोवर से तीन नदियां निकलती है, एक इंडस, दूसरा सतलज, तीसरा कौन, ब्रह्मपुत्रा। चलिए अब मानसरोवर से निकलते हुए ब्रह्मपुत्रा, चूंकि येलो कलर से मैंने किया है तो मैं येलो कलर से ही करूंगा, मानसरोवर से निकलते हुए ब्रह्मपुत्रा जब आगे बढ़ती है तो तिब्बत में, हालांकि मानसरोवर तो तिब्बत में ही है जो चाइना का पार्ट है, ये बात आप जानते हैं, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। सांगपो यहाँ पे लिखा हुआ है, सांगपो, टी एस ए एन जी पी ओ, सांगपो, कौन से नाम से, सांगपो, पूरा नाम है यारलुंग जांगपो या सांगपो के नाम से जानते हैं। तो आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे कि तिब्बत में इसे सांगपो नाम से कहा जाता है, तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो। फिर तिब्बत में सांगपो नाम से ये बहते हुए, चूंकि ये बहुत लंबी नदी है, ठीक है, बहुत लंबी नदी है, 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 2900 किलोमीटर इसके लेंथ है, ठीक है, तो ये बहते हुए पूरा मैक्सिमम लेंथ इसका जो है ना, मैक्सिमम लेंथ इसका तिब्बत में ही कवर हो जाता है, मैक्सिमम लेंथ इसका तिब्बत में कवर हो जाता है, बहुत छोटा, बहुत कम लेंथ हमारे यहाँ कवर होता है, यानी कि भारत में कवर होता है। यहाँ पे देखिएगा, ये एक हेयर पिन बाउंड्री बनाता है, हेयर पिन बाउंड्री से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में, ठीक है, और हेयर पिन बाउंड्री कहाँ बनाती है वो भी बात में बताता हूँ। यहाँ बीच में मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था, अगर आपको बिल्कुल भी ध्यान हो तो मैंने एक चीज पढ़ाया था, नमचा बड़वा, तो नमचा बड़वा जो पीक है वहीं से ये हेयर पिन बाउंड्री बनाती है। कलर का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का गड़बड़ है, नमचा बड़वा जो पीक है ना वहीं से ये हेयर पिन बाउंड्री बनाती है हिमालय के पास से, और ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा था। तो ये हेयर पिन यहाँ पे चेंज किया, हेयर पिन बाउंड्री बनाया, और हेयर पिन बाउंड्री बनाने के बाद ये यहाँ पे देखिए इस जगह पे अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंट्री कर जाती है। देखो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का बाउंड्री है, ये भारत में एंट्री कर रही है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, दिहांग कहा जाता है, दिहांग, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं इसको, आगे बढ़ते हुए और फिर ब्रह्मपुत्रा के नाम से ये, ब्रह्मपुत्रा के नाम से ये असम में प्रवेश करती है, और असम में ही ये एक रिवर बनाती है, रिवर आइलैंड बनाती है। असम में क्या बनाती है, रिवर आइलैंड, नदी द्वीप, जिसे हम माजुली कहते हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है माजुली, लिख देता हूं मैं, माजुली रिवर आइलैंड, ठीक है, माजुली रिवर आइलैंड, आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, मैं स्लो स्लो बोल रहा हूं, माजुली रिवर आइलैंड, आइलैंड का मतलब समझते हैं ना, चारों तरफ पानी और बीच में जगह हो। अब चूंकि नदी में बनी है तो इसको रिवर आइलैंड कहते हैं, अगर समुद्र भी बनता तो सिंपल आइलैंड कह लेते, ठीक है। तो आइलैंड, रिवर आइलैंड बनाती है माजुली, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, असम में माजुली रिवर आइलैंड ब्रह्मपुत्र बनाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 100 बार पूछा है बेटा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो माजुली नाम है रिवर आइलैंड का, जो असम में बनाती है, ब्रह्मपुत्रा दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। और माजुली रिवर आइलैंड बनाते हुए ये आगे बढ़ता है, येलो कलर से मेरे को आलो आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ती है और फिर कहां प्रवेश करती है, भारत से, भारत में असम से मेघालय हल्का सा होते हुए और प्रवेश करती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं, इसका नाम हो जाता है जमुना। तो आप क्या लिखेंगे अपने कॉपी में, इन बांग्लादेश इट इज कॉल्ड जमुना, बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है, जमुना, यमुना मत लिखिएगा, ज य और ज में अंतर होता है, जमुना, तो यमुना जमुना कहलाता है ये बांग्लादेश में। और फिर गंगा से मिलकर के दुनिया का सबसे बड़ा
डेल्टा बनाता है जिसको क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा। तो ये सारी बात आप ब्रह्मपुत्रा में भी लिखेंगे। इसका ओरिजिन नियर मानसरोवर छेमा युंगडुंग ग्लेशियर, छेमा युंगडुंग ग्लेशियर नियर मानसरोवर, वहां से निकलती है, 2900 किलोमीटर है। इसको तिब्बत में सांगटो कहा जाता है। मैक्सिमम इसका किलोमीटर तिब्बत में ही है, मैक्सिमम डिस्टेंस तिब्बत में ही कवर करता है। फिर अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंटर करता है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिबांग कहा जाता है, दिबांग। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए ये माजुली रिवर आइलैंड बनाती है असम में, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। और फिर वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे जमुना कहा जाता है, और गंगा के साथ मिलकर के दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। अब इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज है, उसको आप देखिएगा। जैसे तिस्ता, बहुत इंपॉर्टेंट है तिस्ता। तिस्ता कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात को मैं बता दूं कि हमारे और बांग्लादेश के बीच में तिस्ता नदी को लेकर के विवाद है बेटा, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके ट्रिब्यूटरीज को मैं रेड कलर से करता हूं, ब्रह्मपुत्रा के ट्रिब्यूटरीज को रेड कलर। ये तिस्ता नदी है, तिस्ता निकलती सिक्किम से है और फिर बांग्लादेश में जाकर के मिल जाती है किससे, ब्रह्मपुत्रा से या जमुना से, ठीक है। तिस्ता भारत और बांग्लादेश के बीच में नदी का विवाद है, यह क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के बंटवारे या किस नदी के जल को लेकर के विवाद है, तो तिस्ता नदी, ठीक है। तो तिस्ता एक इनका सहायक नदी हो गया। सुवनश्री, यह भी आप लिख लीजिएगा, सुवनश्री इनका एक सहायक नदी हो गया, सुवनश्री, यह भी आप लिख लीजिएगा। लोहित, लोहित लिख लीजिएगा, लोहित इनका एक सहायक नदी है, लोहित, लोहित इनका सहायक नदी है। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं बराक, ये भी इनका एक सहायक नदी है, ठीक है। हालांकि बराक तो मेघना की सहायक नदी हो जाती है, लेकिन आप इसको लिख सकते हैं। धनश्री, मानस, मानस लिख लीजिएगा, मानस इनका एक सहायक नदी है, मानस, मानस इनका एक सहायक नदी है। धनश्री इनका एक सहायक नदी है, यह भी बात आप लिख लीजिएगा, धनश्री इनका एक सहायक नदी है। तो मैंने कितने सहायक नदी बताए, तिस्ता, मानस, सुवनश्री, लोहित, धनश्री, ये सारे इनके सहायक नदी है, किनके, ब्रह्मपुत्रा के। तो अब ब्रह्मपुत्रा के बारे में ये मैप हो गया, जो येलो कलर से ब्रह्मपुत्रा है और जो ग्रीन कलर से मैंने आपको बनाया था वो गंगा है। गंगा के ट्रिब्यूटरीज वॉल्वेट कलर का है और ब्रह्मपुत्रा के ट्रिब्यूटरीज रेड कलर का है, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप देखिएगा। अब ब्रह्मपुत्रा के बारे में मैंने जो भी बात लिखा है वो मैं आपको बताता हूं। मैप जैसे बनाया है वैसे अगर आप भी बना लेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा के बारे में मैंने क्या क्या लिखा है वो देखिए। कहां से निकलती है, तो छेमा युंगडुंग ग्लेशियर नियर मानसरोवर से निकलती है। लेंथ कितना है, 2900 किलोमीटर इसका लेंथ है। तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है, ये बात मैंने लिखा। इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है, बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। माजुली आइलैंड के बारे में मैंने बात नहीं लिखा, तो आप अपने कॉपी में माजुली आइलैंड लिख लीजिएगा, जरूर लिखना, एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट, अच्छा लिख दिया, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड नेमली माजुली इन असम, ठीक है। माजुली के नाम से दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड बनाता है। और ट्रिब्यूटरीज है इसके, दिबांग, लोहित, धनश्री, सुवनश्री, मानस, तिस्ता। तो ये सारे बातें हमने यहाँ पे लिखा है ब्रह्मपुत्रा के बारे में। अब जरा इस मैप को ब्लैंक में देखें तो क्या कैसा लगता है, ठीक है। इस मैप को ब्लैंक में देखते हैं, जो भी मैप मैंने बनाया है। तो देखो इसको, ये कुछ मत समझना, ये कुछ नहीं है लिखा हुआ, ये ऐसा है ब्रह्मपुत्रा और गंगा। ग्रीन कलर का गंगा है, ग्रीन कलर का गंगा है। मैंने आपको बताया देवप्रयाग से अलकनंदा भागीरथी, इस तरीके से ये गंगा है। और यहां पर आकर के देखिए दो धारा में बट गया, एक धारा हुगली और दूसरा धारा पद्मा, ठीक है। एक धारा क्या, हुगली, और दूसरा धारा क्या है, पद्मा, ये बात मैंने बताया। फिर इसके ट्रिब्यूटरीज बताया, जिसमें हमने बताया कि यमुना इसका सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरीज है, जो इलाहाबाद के पास आकर के मिल जाती है। फिर हमने चंबल के बारे में बताया, चंबल का ट्रिब्यूटरीज पार्वती है। फिर यहाँ पे हमने चंबल के दूसरे ट्रिब्यूटरीज बताए। फिर गंगा के ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको बताया, पुनपुन और सोन और तमसा वगैरह के बारे में बात किया। फिर यहाँ से राम गंगा और गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। और फिर यहाँ पे आकर के हमने इसको रोक दिया। फिर हमने कहा था कि ये ब्रह्मपुत्रा है, कहाँ से निकलती है और किस तरीके से यू टर्न बनाती है, और यहाँ पे आती है माजुली आइलैंड बनाती है, ठीक है। नमचा बड़वा के साथ पास यू टर्न लेती है। मानस, यहाँ पे तिस्ता, मानस, सुवनश्री, क्या बोलते हैं, लोहित, ये सारे इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, बराक, और फिर ये सुंदरबन डेल्टा। ये यहाँ पे पॉइंट देखिएगा, पीछे की चीजों को थोड़ा नजरअंदाज करने की कोशिश कीजिए। तो ये इतना सुंदर बाउंड्री आपको दिखाई देगा, गंगा और ब्रह्मपुत्रा का दोनों एक साथ, ठीक है। आप भी अपने कॉपी में खींच लीजिए, कोई बात नहीं है।
तो ये हमारा पॉइंट था जिसमें हम लोगों ने बात किया था गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो यहाँ हम हिमालय रिवर को समाप्त करते हैं। हम लोग रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भारत के नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। हमने इससे पहले हिमालयन रिवर के बारे में बात कर लिया है, हिमालयन रिवर, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा इन तीनों नदियों के सिस्टम के बारे में बात किया है अच्छे तरीके से। इसके सहायक नदियों को देखा है, ठीक है, इसके बारे में कुछ बातें हमने किया है। आज हम लोग बात करेंगे इससे अलग पेनिनसुलर रिवर इंडिया के बारे में, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के नदियों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं प्रायद्वीपीय भारत के नदियों को लेकर के, ठीक है। जैसा कि हम आपको हमेशा ही मैप के साथ रिवर सिस्टम को बताते हैं, तो हम यहाँ भी मैप के साथ आपके रिवर सिस्टम को यहाँ पे बताने वाले हैं। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और फिर नए रिवर सिस्टम को मैप के साथ देखेंगे और फिर जो भी चीज़ें लिखी हुई होंगी उनको हम एक बार आपके साथ रिवाइज कर लेंगे। तो ज़्यादा लिखने की जद्दोजहद मत कीजिएगा, बस अपने कॉपी में इतना कर लेंगे कि आप पेनिनसुलर इंडिया या रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया कर लेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में आप एक नोट्स बना लेंगे, ठीक है। अब चलिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा मैप अच्छे तरीके से, आई होप खूब अच्छे से मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस मैप को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो एरिया यहां से आपको दिख रहा है, यहां से इस तरफ, ये दरअसल इंडस का एरिया है, यानी कि सिंधु नदी तंत्र है, जो कि हम लोगों ने बात किया था कि किस तरीके से ये इंडस रिवर निकलती है और फिर किस तरीके से उसके सहायक नदी जो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज वगैरह है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे ये आपका यहाँ से लेकर के इस जगह पर इस तरीके से, ये आपका पूरा का पूरा कौन सी है रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम है। ये गंगा रिवर सिस्टम है जिसके बारे में हम लोग बात किए थे कि गंगा इसकी प्रमुख नदियां हैं, जो आप नदी हैं जो आपने यहाँ पर देखा, और फिर गंगा की सहायक नदी यमुना, फिर यमुना की चंबल, बनास और पार्वती वगैरह के बारे में बात किया, फिर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी के बारे में हम लोगों ने बात किया। तो ये गंगा रिवर सिस्टम है। उसके बाद एक और कलर लेते हैं और ये है आपका, और ये है आपका येलो कलर से पूरा का पूरा कौन सा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ब्रह्मपुत्र आती है और नमचा बरवा से टर्न होकर के भारत में प्रवेश करती है और क्या उसकी सहायक नदी है। तो इस तरीके से हमने इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा इन तीनों नदियों के बारे में बात कर लिया है। इन तीनों नदियों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिए हैं हिमालयन रिवर के अंतर्गत, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, जो कि आपके सामने में फिगर दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या बात करना है, तो अब हमें ये पेनिनसुलर रिवर के नदियों के बारे में बात करना है, यानी कि यहाँ पर जो नदी फ्लो करते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं ना कि एक बार इन सबको मिटाते हैं और मैं पेनिनसुलर रिवर के एक एक नदी के बारे में बात करते हुए चलता हूँ। एक बार ध्यान में देखिएगा, पेनिनसुलर रिवर के नदियों को हम लोगों ने दो भागों में बांटा था, ठीक है, पेनिनसुलर रिवर को यानी नदियों को हम दो भागों में बांटे थे। एक था बे ऑफ बंगाल की तरफ बहने वाली और एक था अरबियन सी की तरफ बहने वाली। ये अरब सागर है, आप दिख रहा है यहाँ पे, ये अरब सागर है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बे ऑफ बंगाल है। तो अरब सागर की तरफ बहने वाली नदियों के बारे में बात करते थे और बे ऑफ बंगाल की तरफ बहने वाली नदियों के बारे में बात हम करने वाले हैं। तो ये अरब सागर की तरफ बहने वाली नदियां और एक बे ऑफ बंगाल की तरफ बहने वाली नदियां, ठीक है ना। चलिए, तो अब क्या करेंगे, इसी हिसाब से हम पढ़ेंगे भी, यानी कि पहले अरब सागर की तरफ बहने वाली नदियों को समाप्त कर लेंगे, फिर बे ऑफ बंगाल की तरफ बहने वाली नदियों के बारे में बात हम लोग करेंगे। तो अब शुरू करते हैं अरब सागर की तरफ बहने वाली नदियों से, ठीक है, शुरू करते हैं अरब सागर की तरफ बहने वाली नदियों को। तो उसमें सबसे पहले आप लिखेंगे, अपने हेडिंग बनाएंगे पेनिनसुलर इंडिया, उसमें आप लिखेंगे अरब सागर रिवर फ्लो टुवर्ड्स अरबियन सी, अरब सागर की तरफ बहने वाली नदियां, और फिगर यहां देखेंगे। देखिए, ये है लूनी। हालांकि लूनी नदी के बारे में आपको जब मैं अरावली पढ़ा रहा था उस समय भी मैंने आपको बताया था, और ये है रन ऑफ कच्छ,
यानी कि कक्ष का रन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये रन ऑफ कक्ष है यानी कक्ष का रन है, और ये है आपका लूनी। और ये जो पूरा का पूरा इलाका है, यहाँ पर मैं जरा दूसरे कलर से कर दूं, ये जो पूरा का पूरा इलाका आपको दिख रहा है ये दरअसल अरावली का इलाका है। किसका इलाका है? अरावली, अरावली पर्वत का इलाका है ये पूरा का पूरा, ठीक है। और यहाँ से निकलती है ये लूनी नदी, ठीक है ना, लूनी नदी निकलती है। तो सबसे पहले अपने पॉइंट में क्या लिखेंगे, लूनी कहाँ से निकलती है, अरावली से, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये कहाँ जाके मिल जाती है, तो रन ऑफ कक्ष में, यानी कि कक्ष के खाड़ी में, कक्ष के दलदल में जाकर के ये मिल जाती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लूनी नदी को इनलैंड रिवर भी कहा जाता है, भू आविष्ट नदी भी कहा जाता है। फिर से बताऊं, लूनी नदी को भू आविष्ट रिवर या इनलैंड रिवर भी कहा जाता है। इनलैंड रिवर का मतलब क्या होता है? तो इनलैंड रिवर का मतलब वो होता है कि वैसी नदियां जो किसी सागर या किसी समुद्र में जाकर के ना मिले, बल्कि जमीन से निकले और जमीन में, यानी कि देखो जमीन से निकले और जमीन में ही विलीन हो जाए। तो यहां पर देखो लूनी कहां से निकलती है, एक पर्वत से निकलती है, जमीनी एक बनावट है, एक पर्वत से निकलती है और कहां जाकर समाप्त हो जाती है, रन ऑफ कक्ष में, किसी सागर में जाकर समाप्त नहीं होती है। इसलिए इसको लैंड रिवर कहते हैं, इसलिए इसको भू आविष्ट नदी कहते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा लूनी नदी के बारे में, ठीक है। और यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा कि राजस्थान का बहुत इंपॉर्टेंट नदी है लूनी नदी, राजस्थान का बहुत इंपॉर्टेंट नदी है लूनी नदी, इसको आप यहां पे एक बार ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम का बन जाएगा। और यह जो पूरा इलाका है राजस्थान का, जैसा कि आप यहां पर दिखाई दे रहा है, मैं आपको थोड़ा सा बना दूं, ये जो पूरा इलाका राजस्थान का, ये थार डेजर्ट है। क्या है? थार मरुस्थल का क्षेत्र है, थार डेजर्ट, थार मरुस्थल का क्षेत्र है। तो वैसे में लूनी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो थार मरुस्थल से होते हुए बहती है, या फिर हम ये कह सकते हैं एकमात्र नहीं, सॉरी, ठीक है, लूनी नदी थार मरुस्थल से बहने वाली नदी है। इस बात को भी आप अपने नोट्स में जगह दे देंगे। चलिए, हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूसरा आप नदी की बात करते हैं, जो दूसरी नदी है, हम एक एक करके आपको बताएंगे और फिर आपको हम दिखाएंगे भी कि हमने क्या लिखा है। चलिए, दूसरी नदी हमारे पास है साबरमती, साबरमती, ठीक है, साबरमती लिख लीजिएगा। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, आपने पढ़ा होगा ये कविता महात्मा गांधी जी के बारे में, ठीक है ना। तो साबरमती ये कहां से निकलती है? तो ये भी अरावली से निकलती है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं लेकिन जो भी चीजें हैं वो लिखी हुई आपको मिल जाएगी, तो उसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है ना। चलिए, तो ये भी कहां से निकलती है? अरावली से निकलती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आपको देखिए बड़े आराम से, कहां से निकलती है? अरावली से निकलती है। और कहां जाके मिल जाती है? तो देखिए नीचे में अरब सागर लिखा हुआ है, तो ये अरब सागर का ही पॉइंट है, लेकिन इसको एक नाम दिया गया, उसको कहते हैं खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ कैम्बे। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ कैम्बे, ठीक है, खंभात की खाड़ी। तो ये कहां जाके मिल जाती है? खंभात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। यहां पे एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में जाके मिलती है। तो एक बार ध्यान में रखिएगा, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ये चारों नदी जाकर के खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। तो इस पॉइंट को एक बार जगह पर बना करके लिख लीजिएगा कि साबरमती, साबरमती हो गया एक। दूसरा क्या बताया मैंने आपको? माही। उसके बाद क्या बताया? नर्मदा। उसके बाद क्या बताया? तापी, मीट्स इन गल्फ ऑफ कैम्बे, यानी कि ये चारों नदियां खंभात की खाड़ी में जाकर के क्या होती है? मिल जाती है। इस पॉइंट को अपने कॉपी में नोट बना के कहीं अलग लिख लीजिएगा, साबरमती में मत लिखिएगा, ठीक है। और उसको मैप के साथ हमेशा आप देखते रहिएगा, क्योंकि मैप देखना बहुत जरूरी है, इस वजह से मैं मैप को हमेशा दिखाता हूँ। और साबरमती का पॉइंट यहाँ पर कहाँ से निकलती है? अरावली से मिलती है, कहाँ? गल्फ ऑफ कैम्बे में है। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट साबरमती के हो सकते हैं, लेकिन बस इतना ही, दो पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, मैप को जरूर ध्यान रखिए, एग्जाम मैप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद द वेरी इंपॉर्टेंट नदी की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से एग्जाम के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हैं, वो है नर्मदा। अब देखो नर्मदा को मैंने बनाया है, और किस तरीके से क्या बोलते हैं,
ये गल्फ ऑफ कैम्बी में जाकर के गिर रही है, इसको भी ध्यान में आप एक बार रखेंगे। अब पॉइंट है कि नर्मदा निकलती कहां से है, तो पहला पॉइंट अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा का जो फ्लो है वो देखिएगा कहां से कहां है, तो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नर्मदा का फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट है। फ्लो आप मैप देखिए, मैप नहीं देखेंगे तो आपका काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। नर्मदा का फ्लो है ईस्ट टू वेस्ट, आप देख रहे हैं ना, पूर्व से पश्चिम की तरफ बह रही है। एक दूसरा, नर्मदा रिफ्ट वैली में बहती है। अब जब मैं आपको सतपुड़ा पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि क्या होता है ब्लॉक माउंटेन, और उसी समय मैंने बताया था कि किस तरीके से दो रिफ्ट वैली बनने से, यानी कि सतपुड़ा के दोनों तरफ जमीन के नीचे धंसने से सतपुड़ा एक ब्लॉक माउंटेन बन गया है, और उसके दोनों तरफ नर्मदा और तापी जैसी नदियां रिफ्ट वैली में बहती है। तो ये पॉइंट भी अपने कॉपी में क्या लिखेंगे, नर्मदा किस में बहती है, रिफ्ट वैली में बहती है। अब एक और क्वेश्चन एग्जाम का क्या पूछा है वो भी बात ध्यान में रखिएगा, वो ये है कि नर्मदा किन रेंज के बीच में बहती है, या फिर क्वेश्चन ने पूछा कि विंध्यन और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा बहती है। अब इस पॉइंट को करने के लिए आपको एक बार ध्यान देना पड़ेगा कि कहां पे विंध्यन है और कहां पे विंध्य और कहां पे सतपुड़ा है। हालांकि मैं पूरा चीज पढ़ा चुका हूं, आपको भी ये बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बताता हूं। देखो, ये है विंध्य रेंज, विंध्यन रेंज, जो कि मैंने आपको बताया था ना, विंध्यन रेंज मालवा के प्लाटेऊ से लेकर के और छोटा नागपुर की प्लाटेऊ तक फैला हुआ है, और नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को क्या करती है, सेपरेट करती है। सारी बात बताया हुआ है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये है सतपुड़ा, ये क्या है, यह है सतपुड़ा। और देखिए विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा बह रही है ना, तो यह क्वेश्चन एग्जाम का बनता है। नर्मदा रिफ्ट वैली में बहती है, पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, विंध्यन और सतपुड़ा नदी के बीच में बहती है, ये सारे क्वेश्चन है। उसके बाद नर्मदा अपने मुहाने पे एस्चुरी बनाती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, एस्चुरी। जैसा कि आपको देखो एस्चुरी और डेल्टा के बारे में हमने पहले भी बात किया, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि आप जब गंगा पढ़े होंगे और ब्रह्मपुत्र पढ़े होंगे तो आपने क्या पढ़ा होगा कि अपने मुहाने पे डेल्टा बनाती है, ठीक है, और ये एस्चुरी बनाती है। अभी हम क्या करते हैं, डेल्टा और एस्चुरी दोनों को आपको अच्छे से समझा ही देते हैं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए, ठीक है। चूंकि डेल्टा भी मैंने पढ़ा दिया और समझाया नहीं है तो उसको भी मैं आपको समझाता हूं। दरअसल क्या होता है ना कि नदियां जब बहती आती हैं बहुत दूर से, देखो ये नदियां बह रही हैं, ठीक है, नदियां जब बहुत दूर से बहती आती हैं तो खास करके गंगा या पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट को कैरी करती हुई चलती है, समय पड़ने पर डिपॉजिट भी करती है, फिर नए सेडिमेंट्स को लेती हैं, मतलब ये डिपेंड करता है नदियों की स्पीड पे, ठीक है, और वहाँ के जो जिस किस परि जगह से नदी गुजर रही है, मैदानी इलाकों से गुजर रही है तो कटाव ज्यादा होगा, वो ज्यादा कैरी करेंगी मिट्टी वगैरह, तो इस हिसाब से जब नदी अपने साथ सेडिमेंट कैरी करती हैं तो डिपॉजिट भी करती रहती हैं, लेकिन फाइनली जो कैरी किया हुआ आइटम है वो नदी के मुहाने पे आकर के इस तरीके से वो डिपॉजिट कर देती है। मैं जरा एक बार दूसरे कलर से कर दूं, ठीक है, नदी के मुहाने पे इस तरीके से आकर के वो चीजों को डिपॉजिट कर देती हैं बहुत तेजी से, और चूंकि ये बहुत सालों से कर रहे हैं इस तरीके से, ये एग्जांपल कर रहा हूं मैं पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों का, चाहे वो गंगा हो, ये एग्जांपल जो मैंने बताया वो चाहे वो गंगा हो, महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, ब्रह्मपुत्र हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या करती है कि पूर्व की तरफ आकर के अपने मुहाने पे सेडिमेंट को डिपॉजिट करती है, और ये जो धाराएं, यहाँ पे मैं धारा को दूसरे कलर से बना दूं, ये जो धाराएं यहाँ पर इस तरीके से बहती हुई आती है, ये धाराएं इस तरीके से यहाँ पे बहती हुई आती हैं, ये क्या करती है कि इस सेडिमेंट के बीच से अपना रास्ता निकाल करके और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। देखो ध्यान से देखना, देखो ये यहाँ पे हरे कलर का जो है ना ये सेडिमेंट है, और ये जो यहाँ पे ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है ये धाराएं हैं जो सेडिमेंट के बीच से निकल करके और फाइनली बे ऑफ बंगाल में मिल रही है। देखो यहाँ पे पॉइंट मिल रही है ना, देखो
मैप को देखो बेटा, मैप देख करके सीखो, मैप देख के अगर सीख लिया तो काम बन जाएगा, ठीक है, मैप देख के सीख लेगा तो काम बन जाएगा, याद रखना। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, अपने जगह बना करके, अपना जगह बना करके क्या करती है, जाकर के फाइनली गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो ये जो सेडिमेंट आकर के यहाँ पे डिपॉजिट होता है, इसको डेल्टा कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। चूंकि इस डेल्टा को नदी से भी पानी मिलती है, और ये डेल्टा चूंकि नदी और के मुहाने पे है, यानी समुद्र के भी कगार पे है, तो यहाँ पे पानी हमेशा रहता है, और ये नमकीन पानी का सबसे बड़ा जगह है, नमकीन पानी का बहुत जगह है, तो इसलिए यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और मैंग्रोव वन, हालांकि मैं एक छोटा सा पॉइंट बता दूं जो मुझे याद आ गया है, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, मैंग्रोव वन में एक क्वालिटी होती है कि उसकी जड़ें पानी से बाहर निकल जाती है सांस लेने के लिए। यह क्वेश्चन एग्जाम का पारिस्थितिकी में पढ़ा जाता है कि मैंग्रोव की जड़ें पानी से बाहर क्यों निकल जाती है, या मिट्टी से बाहर क्यों निकल जाती है, तो सांस लेने के लिए निकल जाती है, सांस लेने के लिए, याद रखिएगा इस बात को, पॉइंट को अच्छे तरीके से। तो ये पॉइंट है यहां पे डेल्टा का। अब जब हम बात करते हैं नर्मदा और तापी जैसे नदियों का, हालांकि नर्मदा ही हम बात कर रहे हैं, तो हम एस्चुरी की बात करते हैं। तो जरा नर्मदा को, अब चूंकि ये तो नर्मदा कैसे बहती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो हम नर्मदा को पूर्व से पश्चिम की तरफ बहाते हैं। देखो, नर्मदा पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, और ये इस तरीके से बहती हुई, ये इस तरीके से बहती हुई नर्मदा, और ये क्या करती है कि सीधे सीधे इसकी धारा जो है ना समुद्र में आकर के मिल जाती है, अरबियन सी में सीधे सीधे इसकी धारा क्या करती है, समुद्र में आकर के मिल जाती है, ये ओशियन है। ठीक है, तो ये सीधे सीधे जो समुद्र में आकर के मिलने की प्रक्रिया है, यही एस्चुरी है। ये क्या है, एस्चुरी है, और ये बड़ा कुछ जीवों के लिए बड़ा सेफेस्ट जगह है अपने जीवन को या अपने बच्चों को जन्म देने के लिए, कुछ जीवों के लिए बड़ा ही सेफ जगह है ये, क्योंकि यहाँ पे नदी की धारा है जो तीव्र है, तो वहां पे जो प्रीडेटर है वो नहीं आ पाते हैं, तो उनके बच्चे बच जाते हैं, तो इसलिए कुछ कछुए वगैरह या कुछ जीवों का ये अच्छा जगह है जहां पे वो अपने बच्चों को यहाँ पे लाके छुपाते हैं या बच्चे को जन्म देते हैं। तो क्या बोलते हैं, एस्चुरी समझ में आया, ये सीधे सीधे समुद्र के पानी में आके मिल जाते हैं, जबकि ये डिपॉजिट करके और तब रास्ता बना करके समुद्र के पानी में मिलते हैं, तो वो डिपॉजिट किया हुआ आइटम डेल्टा कहलाता है। यहाँ पर डिपोजिशन वाली बात ज्यादा नहीं है, यहाँ पर बस आता है धाराओं के साथ एक बार मिल जाता है समुद्र में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एस्चुरी, और ये क्या हो गया, डेल्टा, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है ना, तो नर्मदा क्या बनाती है अपने मुहाने पे, एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी बनाती है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा नर्मदा के बारे में। नर्मदा को मध्य प्रदेश का लाइफ लाइन कहा जाता है। नर्मदा को हम आध्यात्मिक रूप से या धार्मिक रूप से माँ की संज्ञा देते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं, नर्मदा में लोग जानते हैं कि पैसे वैसे आप फेंकते हैं, ठीक है, उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो नर्मदा बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट नदी है अपने देश के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी है अपने देश के लिए। नर्मदा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, और नर्मदा पे बहुत सारे वाटरफॉल भी है जो भी एग्जाम के क्वेश्चन बनते आ रहे हैं। तो जो वाटरफॉल का सेगमेंट है, हम वाटरफॉल के सेगमेंट में समाप्त करेंगे, वाटरफॉल और क्या बोलते हैं, लेक को एक साथ समाप्त कर देंगे आपके साथ, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से दूध धारा और जो धुआंधार जलप्रपात वगैरह जैसे है, तो वहां पर उसके बारे में बात हम कर लेंगे वहां पे। ठीक है, चलिए, तो नर्मदा के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात किया। नर्मदा के बाद, चूंकि आप जानते हैं कि नर्मदा विंध्यन और सतपुरा के बीच में बहती है, देख लो ये विंध्यन है और ये सतपुरा है, मैप को देखो, मैप से ध्यान में रखो, तो विंध्यन और सतपुरा उसके बीच में बहती है। नर्मदा के सतपुरा के ठीक साउथ में, दक्षिण में एक नदी बहती है, जो कि वो भी रिफ्ट वैली में बहती है, उसका नाम है तापी। उसका नाम क्या है, तापी। तो तापी भी रिफ्ट वैली में बहती है, नर्मदा भी रिफ्ट वैली में बहती है, और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि दामोदर भी रिफ्ट वैली में बहती है, यहां पे दामोदर आपको दिख जाएगा, दामोदर भी रिफ्ट वैली में बहती है। तो तीन नदी है जो रिफ्ट वैली में बहती है, ठीक है, और तापी भी अपने मुहाने पे क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, एक। और दूसरा पॉइंट है कि तापी भी किस तरह, उसका डायरेक्शन क्या है,
ईस्ट टू वेस्ट यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ तापी का भी डायरेक्शन है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या बताया, लूनी, साबरमती, नर्मदा, तापी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट नदी मेरे से छूट रहा है, उसको मैं यहाँ पे पूरा कर दूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इस हिसाब से है, थोड़ा सा इसका कैरेक्टर देखिएगा। माही नदी, माही देखिए लगभग विंध्यन रेंज से निकलती है, माही नदी लगभग विंध्यन रेंज से, और ये भी गल्फ ऑफ केम्बे में आकर के गिर जाती है। माही नाम क्या है, माही, ठीक है, लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, माही जरूर लिखिएगा। तो माही नदी है, विंध्यन रेंज से निकलती है, गल्फ ऑफ केम्बे में जाकर के क्या होती है, मिल जाती है। मैप आपको दिखाई दे रहा है। इसके पीछे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो कर्क रेखा है, अगर आपने नाम सुना होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हालांकि मैंने बता दिया कि भारत के कितने राज्यों से निकलती है, आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो जो कर्क रेखा है, मैं यहां पे दूसरे कलर से कर्क रेखा को बना दूं, व्हाइट कलर से, ठीक है। तो जो कर्क रेखा है उसको माही दो बार क्रॉस करती है, ट्वाइस, जैसे कि आपने देखा व्हाइट कलर से कर्क रेखा बना हुआ है, और माही को देखो, एक बार ऊपर जाते हुए कर्क रेखा को क्रॉस किया, एक बार नीचे आते हुए कर्क रेखा को क्रॉस किया, और कर्क रेखा यहां है, समझ में ना। मैं फिर से करूं, एक बार ऊपर जाते हुए एक बार नीचे आते हुए, तो माही कर्क रेखा को दो बारी क्या करती है, क्रॉस करती है, इंटरसेक्ट करती है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। दुनिया में बहुत ऐसे ऐसे नदियां हैं जो अपने अपने जगहों पे अपने अपने जो अक्षांश रेखा है उसको क्रॉस करती है, जैसे कि कर्क रेखा के बारे में मैंने आपको बताया कि माही दो बारी क्रॉस करती है, ठीक उसी तरीके से लिम्पोपो नदी है, ठीक उसी तरीके से कांगो रिवर है। तो कांगो जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी इक्वेटर को दो बारी क्रॉस करती है, कांगो रिवर इक्वेटर को दो बारी इंटरसेक्ट करती है। लिम्पोपो रिवर है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो बारी इंटरसेक्ट करती है। तो मैं तीन नदियों का नाम बताया, और माही है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार इंटरसेक्ट करती है, उसके बाद कांगो है जो इक्वेटर को दो बार इंटरसेक्ट करती है, और लिम्पोपो है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो बारी इंटरसेक्ट करती है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, अपने कॉपी में कहीं जगह बना करके नोट बना के लिख लीजिएगा, कुछ चीजें पढ़ाते हुए निकल जाता है तो उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो माही के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बताया कि निकलती कहाँ से है, गिरती कहाँ है, और किस तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को इंटरसेक्ट करती है। हो गया ना पॉइंट। चलिए तो ये हो गया हमारा क्या, अरब सागर की तरफ बहने वाली नदियों में इंपॉर्टेंट, यानी कि अरब सागर की तरफ जो नदी बहती है उसमें हमने इंपॉर्टेंट किसके किसके बारे में बात किया। तो मैं फिर से बता दूं, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। अब हम क्या करते हैं कि इसी नदी को एक बार देखते हैं कि हमने इसमें क्या लिखा है इन चारों पांचों नदियों में, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे बे ऑफ बंगाल की तरफ बहने वाली नदियों के बारे में, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग लूनी के बारे में बात किया, तो लूनी कहाँ से निकलती है, पुष्कर वैली ऑफ अरावली। मैंने कहा था कि लूनी अरावली से निकलती है, तो पुष्कर वैली से निकलती है, और पुष्कर जानते हैं पुष्कर का मेला लगता है। भारत में एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर या ब्रह्मा की पूजा यही होती है पुष्कर में। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा पुष्कर के बारे में कि पुष्कर में मेला लगता है, पुष्कर मेला लगता है, ठीक है ना। अरावली के पुष्कर वैली से निकलती है कौन सी, लूनी। उसके बाद ये कहाँ खत्म हो जाती है, रण ऑफ कच्छ में समाप्त हो जाती है, और इसे इनलैंड रिवर कहा जाता है, ये बात हमने आपको बता दिया लूनी में। और ये बात भी लिख लीजिएगा कि ये थार डेजर्ट से क्रॉस करती है, थार डेजर्ट से पास करती है, ये बात भी आप अपने कॉपी में जरूर बना लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। चलिए लूनी के बाद हम बात कर रहे थे साबरमती के बारे में, हमने कहा था कि ये अरावली से निकलती है, लेकिन कहां से निकलती है, डेवर लेक, डेवर लेक अरावली से निकलती है और गल्फ ऑफ कैम्बे में जाकर के क्या होती है, समाप्त हो जाती है, ये बात हमने आपको बताया। उसके बाद हमने बताया था माही रिवर के बारे में, माही के बारे में क्या बताया कि धार डिस्ट्रिक्ट एमपी विंध्यन रेंज, हालांकि मैंने आपको बताया था कि विंध्यन रेंज से निकलती है लेकिन डिस्ट्रिक्ट नहीं बताया था, तो धार डिस्ट्रिक्ट एमपी से निकलती है विंध्यन रेंज से, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बारी क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है यानी कि काटती है, ये बात हमने आपको बताया, और गल्फ ऑफ कैम्बे में जाकर के क्या करती है, गिर जाती है। ये गल्फ ऑफ कैम्बे इज द पार्ट ऑफ अरेबियन सी, तो इसको आप ये मत समझिए कि सर अरब सागर तो कहीं नहीं लिखे, मैं जानबूझ करके गल्फ ऑफ कैम्बे या गल्फ ऑफ खंभात लिखता हूं ताकि आपको यह समझ में आए कि हाँ कहीं अगर गल्फ ऑफ खंभात दे दे क्वेश्चन तो आपको वहां पे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अरेबियन सी तो होगा ही होगा, ठीक है।
उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा के बारे में हमने क्या बताया कि यह अमरकंटक से निकलती है, ये बात हमने बहुत बार बताया है, अभी भी बता रहा हूं। ठीक है, लेंथ इसके 1312 किलोमीटर, चूंकि बहुत लंबी नदी है तो इसलिए इसके लेंथ की चर्चा करना जरूरी हो जाता है। तो लेंथ इसके 1312 किलोमीटर है, मध्य प्रदेश के लाइफलाइन कहा जाता है इसे, ये बात हमने आपके साथ शेयर कर लिया है पहले। और रिफ्ट वैली में बहती है, ये बात तो मैंने आपको हमेशा से बताते आया हूं कि किस तरीके से सतपुरा एक ब्लॉक माउंटेन है और किस तरीके से दोनों तरफ नर्मदा और तापी बहती है। ये सारा पॉइंट मैंने आपको स्केच करके, मैप बना करके, बहा करके सब कुछ दिखा चुके हैं, तो उसमें ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। रिफ्ट वैली बहती है कि कौन कौन से रेंज के बीच, विंध्यन और सतपुरा रेंज के बीच में, ईस्ट टू वेस्ट बहती है और एस्चुरी बनाती है। अभी मैंने आपको तुरंत एस्चुरी क्या होता है वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि एस्चुरी और डेल्टा में क्या फर्क है, एस्चुरी कैसे बनता है, डेल्टा कैसे बनता है, ये दोनों बातें मैंने मैप बना करके आपको बताया अभी तुरंत। सरदार सरोवर बांध, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो नर्मदा नदी पे है सरदार सरोवर बांध। और नर्मदा नदी के कुछ सहायक नदी है, हिरन, कोलार, बंजर, तावा, कुंडी, ये इसके कुछ सहायक नदी है। हिरन, कोलार, बंजर, तावा, कुंडी इसके कुछ सहायक नदी है, एग्जाम के क्वेश्चन बन जाते हैं नर्मदा के बारे में, इस पॉइंट को ध्यान में आप रखेंगे। उसके बाद नर्मदा के बारे में तो जो लिखा है वो लिखा है, जो मैंने अपने तरीके से समझाया है उसको आप एक बार ध्यान में जरूर रखेंगे। अगर कुछ नया नोट्स उसमें मिला होगा तो आप उसको जरूर नोट कर लेंगे, ध्यान रखिएगा, वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने तापी के बारे में बताया, तापी कहां से निकलती है, तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट मुलताई बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, एमपी के मुलताई बैतूल डिस्ट्रिक्ट एमपी में। लेंथ 724 किलोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट इसके लेंथ नहीं है, नर्मदा के लेंथ इंपॉर्टेंट है, इसके तापी के लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा इस बात को। इंपॉर्टेंट लेंथ किसके हो जाते हैं, जिसके लेंथ 1000 किलोमीटर या 1100 किलोमीटर से बड़ी हो, उसके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लेंथ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन छोटे छोटे नदियों के क्वेश्चन लेंथ में नहीं पूछे जाते हैं, अगर कभी पूछ दिया तो आपको परेशान कर रहा है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, फ्लो इन रिफ्ट वैली साउथ ऑफ सतपुरा रेंज, यानी कि रिफ्ट वैली बहती है जो सतपुरा के साउथ में है, ये बात मैंने मैप में भी दिखाया आपको, पहले भी पढ़ाया है, मतलब ये 4-5 बारी हो गया, अगर अभी भी आपको याद नहीं है तो जय श्री राम। ठीक है, चलिए, इट फ्लो ईस्ट टू वेस्ट एंड मेक्स एस्चुरी, ये एस्चुरी बनाती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हम लोगों ने तापी तक बात कर लिया, अब हम देखते हैं थोड़ा सा वैसे नदी को जो बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती है, लिखा हुआ जो है उसको छोड़ दीजिए, हम पहले मैप की तरफ चलेंगे और मैप से हिसाब को करेंगे। चलिए, आगे हम लोग फिर से एक बार मैप की तरफ, और फिर पूरी नदियों को अच्छे तरीके से समझेंगे और तब फिर लिखे हुए चीजों पढ़ेंगे। लिखा हुआ चीज तो हमें देख के सिर्फ पढ़ लेना है, वो तो मतलब कुछ बात ही नहीं है। पॉइंट तो यहाँ पर यह है कि जब आप इसको मैप पे समझाएं, जब आप इसको मैप दिखाएं, जब आप अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करें, तब पॉइंट है। चलिए, ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल की तरफ बहने वाली नदियों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल की तरफ बहने वाली नदियों को हम दूसरे कलर से देखते हैं, ब्लैक कलर से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, ये है स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा। ये नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, देखो ये जो पठार है पूरा, ये छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है ये स्वर्ण रेखा। और इसका नाम स्वर्ण रेखा क्यों है, क्योंकि इसके नदी में सोने के कण बहते हैं, जो कि वहाँ के स्थानीय लोग अन्य लोगों के मदद से, मतलब जो वहाँ के व्यापारी लोग हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो मजदूर लोगों की वजह से छान छान करके सोने का कण निकलवाते भी हैं। आज भी ये सही है, गलत नहीं है, इसलिए इसका नाम स्वर्ण रेखा है। ठीक है, और ये गिरती कहाँ, बे ऑफ बंगाल में, निकलती कहाँ से, छोटा नागपुर से है। हो गया पॉइंट। चलिए, स्वर्ण रेखा के बाद हम लोग बात करते हैं महानदी, बहुत इंपॉर्टेंट है महानदी, लंबी नदी है। ठीक है, मैंने कहा था कि हम ब्लैक से करेंगे, तो हम ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, लंबी नदी है महानदी, इंपॉर्टेंट है। तो महानदी कहां से निकलती है, तो देखिए महानदी सिहावा से निकलती है, सिहावा से छत्तीसगढ़ महानदी निकलती है, और ये कहां जाकर गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में। एक लंबी नदी है, बड़ी नदी है, महानदी के बेसिन भी चौड़ी है, और इस महानदी के बेसिन में धान की खेती होती है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। ये महानदी की वजह से ही छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है।
धान का बास्केट नहीं कहा गया, कटोरा कहा गया, क्योंकि बहुत ज्यादा उत्पादन धान का नहीं होता है, इसलिए कटोरा का संज्ञा दिया गया। भारत में सबसे ज्यादा धान का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। हालांकि मैं आगे बढ़ता हूं, तो ये महानदी है, महानदी के बहुत सारे सहायक नदियां हैं, ईब है, ओंग है, टोंग है, बहुत सारे सहायक नदियां हैं महानदी के। चूंकि पेनिनसुलर रिवर है तो ये नदियां सालों भर पानी से फ्लो नहीं होती है, कहीं ना कहीं सूख जाती है। खास करके महानदी की जो सहायक नदी है उसमें से मैक्सिमम तो सूखी जाती है। कुछ ही नदी है जैसे शिवनाथ जैसे नदी है जो कि फ्लो होते हैं थोड़े 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 मात्रा में, ठीक है। तो मैक्सिमम रिवर सूखी जाती है महानदी के, तो महानदी भी ऑलमोस्ट उसके भी पानी लगभग सूख जाते हैं, लेकिन फिर भी महानदी पे कुछ मात्रा बनी रहती है। ये इंपॉर्टेंट नदी है, अपने मुहाने पे डेल्टा बनाती है, जिस तरीके से गंगा डेल्टा बनाती है, जिस तरीके से ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा आपने देखा, उस तरीके से महानदी भी अपने मुहाने पे क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। याद रखिएगा पूर्व की तरफ बहने वाली जो नदियां होती है ना मैक्सिमम वो डेल्टा बनाती है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो महानदी क्या है, डेल्टा बनाती है, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए महानदी के बाद हम लोग पॉइंट बनाते हैं। अब महानदी के सहायक नदी के बारे में कुछ बात किया है, और भी चीजें वहां पर लिखी हुई आपको मिल जाएगा। यहां पर एक सहायक नदी आपको दिखाई दे रहा है, तेल, जो कि महानदी की सहायक नदी है, तेल नाम है, तेल नाम भी अजीब अजीब है। खैर चलिए गोदावरी, अब देखिए गोदावरी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है गोदावरी, एग्जाम के इंपॉर्टेंट से। सबसे पहले तो महानदी या गोदावरी दोनों के बारे में, इसका फ्लो कैसा है, तो इसका फ्लो है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। अब दिख रहा होगा आपको कि ये किस तरीके से पूर्व की तरफ बहती है, ठीक है ना। महानदी को देख लीजिए, गोदावरी को आगे, कृष्णा कावेरी को भी दिखा देंगे, तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है, त्र्यंबक से और नासिक से, और ये पूर्व की तरफ बहती है, अपने मुहाने पे डेल्टा बनाती है, ये भी बात सही है, डेल्टा बनाती है अपने मुहाने पे। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, पहला पॉइंट, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और पूरे भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी सबसे बड़ी नदी है और पूरे भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है गंगा के बाद गोदावरी। गोदावरी को साउथ गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, ठीक है, ओल्ड गंगा भी कहा जाता है, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, या साउथ गंगा भी कहा जाता है गोदावरी को, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। दक्षिण की गंगा, तो ये गोदावरी को कहा जाता है। उसके बाद गोदावरी के बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, बहुत सारे, बेन गंगा, पेन गंगा, प्राणहिता, बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, और ये सारे ट्रिब्यूटरीज मिलाकर के गोदावरी का जो कैचमेंट एरिया है, जो बेसिन है, वो बहुत विशाल बना देता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है कि सबसे विशाल बेसिन किस, कौन सी नदी का है साउथ में, तो वो गोदावरी का है, ठीक है। तो गोदावरी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लगभग 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो बहुत लंबी नदी भी है और बहुत बड़ी नदी भी है, साउथ की गंगा भी कहा जाता है, इसे डेल्टा बनाती है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट नदी है। यहां से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, कई बार ही आया है, गोदावरी को छोड़िएगा नहीं। बाकी कुछ पॉइंट हमने डिस्कस जरूर किया होगा गोदावरी से लिखते हुए, तो उसको भी ध्यान में आप लिखेंगे। अभी मैप देखिए, चलिए अब हम बात करते हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा ये भी बहुत बड़ी नदी है, ये भी बहुत बड़ी नदी है, लगभग 1400 किलोमीटर लंबी नदी है, तो ये भी बहुत बड़ी नदी है कृष्णा, ठीक है। और कृष्णा की कुछ इंपॉर्टेंट जो क्या बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज है, जैसे भीमा, तुंगभद्रा और कृष्ण जो दुआब है, इसको लेकर के तो बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में हमेशा ही लड़ाई होती रहती थी। ये बहमनी का साम्राज्य है, ध्यान से देखिएगा मैप को, और ये विजयनगर का साम्राज्य, और दोनों के बीच में तुंगभद्रा और कृष्णा दुआब को लेकर के हमेशा लड़ाइयां होती रहती थी, हमेशा लड़ाई है, ये इतिहास की बात है। मिडिल जो भारत, मध्यकालीन भारत जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बहमनी और विजयनगर दोनों समझ में आ जाएगा, ठीक है, वो हम बता देंगे। चलिए कृष्णा, कृष्णा के एक और बहुत इंपॉर्टेंट है भीमा, ये भी इनकी सहायक नदियां हैं, और भी सहायक नदी है कृष्णा का, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने मुहाने पे डेल्टा बनाएगी, ये भी अपने मुहाने पे क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। और इसकी भी फ्लो कैसा है, तो इसकी भी फ्लो देखिए आप कैसा है, पश्चिम से पूर्व की तरफ है इसका फ्लो, इसका भी फ्लो कैसा है, पश्चिम से पूर्व की तरफ है। कृष्णा के बाद हम देखते हैं कावेरी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है कावेरी, ठीक है, साउथ गंगा कहलाती है, साउथ गंगा, दक्षिण गंगा कहलाती है कावेरी। ताल कावेरी कर्नाटक से इसका ओरिजिन है, ताल कावेरी कर्नाटका से इसकी ओरिजिन है, 800 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, लंबाई तो थोड़ी कम है लेकिन इंपॉर्टेंस बहुत है इस नदी का, क्योंकि साउथ में कावेरी एक बड़ा पानी का स्रोत है,
और इस वजह से कावेरी के पानी को लेकर के हमेशा डिस्प्यूट होते रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। लेकिन सिर्फ कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ही डिस्प्यूट नहीं रहा, चूंकि कावेरी का कैचमेंट एरिया कहीं नहीं केरला और पौंडीचेरी को भी प्रभावित करती है, तो इसमें केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, पौंडीचेरी चारों ही के बीच में डिस्प्यूट है, तीन स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अलग से एक प्राधिकरण ही बनाने की पूरी व्यवस्था यहाँ पे केरल के पानी के बंटवारों को लेकर के कर दिया है, ठीक है ना। ये बहुत दिनों से ये लड़ाई चल रही है और आज भी चल रही है। कावेरी के पानी को बंटवारा को लेकर के सरकारें गिर जाती हैं कर्नाटक में, और गिर गई हैं कई बारी, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहां देवगौड़ा की सरकार गिर गई थी कावेरी के चक्कर में, आपको ये बात बता दें। तो कावेरी कितनी बड़ी डिस्प्यूट है आप उसको इसी तरह समझ लीजिए कि वहां देवगौड़ा की प्रधानमंत्री की सरकार गिर गई थी कावेरी के बंटवारा के जल के बंटवारा के चक्कर में, इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। तो कावेरी को कोई छोटा नदी मत समझिएगा, इसको कुछ नजरअंदाज करके नहीं चलिएगा। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कावेरी नदी से भी, इसके ऊपर बने हुए जलप्रपात के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, यह भी अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है, यह बात ध्यान रखिएगा। और एक चीज जो मैंने आपको सबके बारे में बताया उसमें एक चीज कॉमन देखिएगा कि सब बे ऑफ बंगाल में आकर के गिरती है। तो जब भी आप लिखेंगे तो एंड्स विद बे ऑफ बंगाल, हालांकि लिखा हुआ तो आपको सब मिल जाएगा, तो एंड्स विद बे ऑफ बंगाल, एंड्स विद बे ऑफ बंगाल, एंड्स विद बे ऑफ बंगाल, ये पॉइंट यहां पे आप ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां थी जो हमने आपको बताया बे ऑफ बंगाल की तरफ बहने वाली, जिसमें हमने स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के बारे में बात किया और कुछ सहायक नदियों के बारे में हम लोगों ने यहां पे बात किया। अब हम देखते हैं कि इसके बारे में हमने क्या नोट्स बनाया है और किस तरीके से क्या लिखा है पॉइंट्स को, उसको एक बार एक्सप्लेन कर दे, कुछ नई बात होगी तो हम एक्सप्लेनेशन बढ़ा देंगे, और नहीं तो फिर मैप को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। हमने मैप में एक तरफ जो क्या बोलते हैं वायलेट कलर का आप देख रहे हैं उसको हमने अरबियन सी की तरफ बहाया है, और जो ब्लैक कलर है उसको हमने बे ऑफ बंगाल की तरफ बहाया है। इसको पॉइंट को अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें, देखते हैं कि हमने क्या क्या नोट्स बनाया है। नोट्स यहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है। स्वर्णरेखा से नोट शुरू होता है। ओरिजिन कहाँ है? पिक्सा नगरी रांची के नजदीक, यानी कि छोटा नागपुर। रांची आप जानते हैं कि छोटा नागपुर प्लाटेऊ पे ही है, तो इसको लेकर के ज्यादा कंफ्यूजन मत होइए कि सर आपने बताया छोटा नागपुर और यहाँ तो लिखा रहा है रांची। नहीं, आप छोटा नागपुर कर ही लीजिए ब्रैकेट में, मेरे से गलती हो गया, यहाँ पे लिखना चाहिए छोटा नागपुर, ठीक है। इंड्स विद बे ऑफ बंगाल, ये बात हमने आपको बताया कि बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, और चूंकि यहाँ पे सोने के कण पाया जाता है इसलिए इसका नाम स्वर्ण रेखा है, ठीक है ना। इसी स्वर्णरेखा नदी के किनारे में टाटा जैसे शहर भी बसा हुआ है, टाटा नगर जैसे शहर भी बसा हुआ है। महानदी की बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। महानदी कहाँ से निकली है? सिहावा से निकली है। लेंथ 851 किलोमीटर, बहुत लंबी नदी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंस इस नदी का बहुत ज्यादा है। बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ये बात जानते हैं। डेल्टा बनाएगी, ये भी बात आप जानते हैं। और इसका फ्लो वेस्ट टू ईस्ट है, ये भी बात आप जानते हैं, जो सब कुछ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ट्रिब्यूटरीज के बारे में हमने बताया कि शिवनाथ, मान, ईब, तेल, ओम, जोंग, हंसदेव, ये सारे इसके ट्रिब्यूटरीज है। मैं फिर से पढ़ दूं, शिवनाथ, मान, ईब, तेल, ओम, जोंग, हंसदेव इसके ट्रिब्यूटरीज है, जिसमें शिवनाथ ही सबसे लंबी ट्रिब्यूटरीज है, जिसमें शिवनाथ इसके सबसे लंबी ट्रिब्यूटरीज है, बाकी सब ट्रिब्यूटरीज छोटे-छोटे हैं, छोटे-छोटे हैं। चलिए ठीक है। हीराकुंड बांध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि महानदी के ऊपर है। हीराकुंड बांध इसके ऊपर बंधा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा, मतलब कि इतना बार क्वेश्चन पूछा जिसका कोई हिसाब नहीं हीराकुंड बांध के लिए। तो आप भी हीराकुंड बांध के लिए कमर कस के तैयार हो जाइए, आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एकदम पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब महानदी के बाद देखते हैं कि कौन सी नदी है। महानदी के बाद हमें मिलता है गोदावरी। हम कृष्णा कावेरी को करेंगे, पहले गोदावरी को कर लेते हैं। गोदावरी कहां से निकलती है? त्रिंबकेश्वर, नासिक से निकलती है, ये बात हमने आपको बता दिया था। लेंथ 1465 किलोमीटर है, ये डिस्कस भी आपसे कर लिया था। बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ये भी बात हमने आपको बता दिया था। ओल्ड गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है, ये भी बात हमने आपको बताया था। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है, ये बात भी बता दिया था। और लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया है, ये बात भी हमने आपसे कर लिया था। सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया है, ये बात हमने बताया कि चूंकि उनके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है जो कि उनके कैचमेंट एरिया को बड़ा बना देती है, ये बात बताया था। ये डेल्टा बनाती है, यही बात बताया था। और मैंने आपको उसके कुछ ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताया था, जिसमें पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, बेनगंगा, वर्धा जैसे ट्रिब्यूटरीज है। मैं फिर से बता दूं, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, बेनगंगा, वर्धा जैसे ट्रिब्यूटरीज है। ये सारे ट्रिब्यूटरीज से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करेंगे। और इसका डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट है। ये गोदावरी के बारे में पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है गोदावरी, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम लोग कृष्णा नदी के बारे में बात करते हैं। ओरिजिन महाबलेश्वर है, शायद मैंने ओरिजिन नहीं बताया तो सॉरी उसके लिए। महाबलेश्वर ओरिजिन है, लेंथ इसके 1400 किलोमीटर है जो कि मैंने आपसे बताया था। इसके ट्रिब्यूटरीज है कोयना, तुंगभद्रा, भीमा। मैंने आपको तुंगभद्रा और भीमा के बारे में बताया था कि किस तरीके से बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच में तुंगभद्रा और कृष्णा दुआब के बीच लड़ाई था, ठीक है। मालप्रभा, घाटप्रभा, मूसी, ये भी इसके सहायक नदी है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, इट्स फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये तो कोई पॉइंट मैं बताते चल रहा हूं, ठीक है। नागार्जुन सागर, हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में बनाया कि नागार्जुन सागर डैम इस कृष्णा नदी के ऊपर में, और श्री सैलम हाइड्रो जो प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये भी इस नदी पे है, ध्यान रखिएगा। नागार्जुन सागर और श्री सैलम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कृष्णा नदी पे है। ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा है, आगे भी पूछ सकता है, पूछेगा। कावेरी नदी, इसके बारे में हमने बताया था कि डिस्प्यूट इतना बड़ा है कि सरकारें गिर जाती हैं, साउथ गंगा का। अच्छा है, अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। इसे गंगा ऑफ साउथ यानी कि दक्षिण की गंगा कहा जाता है, और गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं अलग अलग तरीके से, इसको गलत मत कीजिएगा। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है और कावेरी को गंगा ऑफ साउथ कहा जाता है, दक्षिण की गंगा। कावेरी में ऑफ लगा हुआ है, एक प्रीपोजिशन लग गया है, जबकि गोदावरी में नहीं लगा हुआ, वो सिंपल दक्षिण गंगा लिखा हुआ है, और यहाँ पे गंगा ऑफ साउथ कहा गया है। तो इस दोनों को अंतर को समझिएगा। चलिए ठीक है, इसका ओरिजिन है ब्रह्मगिरी हिल्स यानी कि ताल कावेरी, ये बात मैंने बताया था, कर्नाटक से निकलती है। ब्रह्मगिरी के बारे में नहीं बताया था लेकिन बता देता हूँ, ओरिजिन ब्रह्मगिरी हिल्स है, ताल कावेरी कर्नाटक से निकलती है। लंबाई 800 किलोमीटर, हमने आपको बात कर लिया था। ट्रिब्यूटरीज है इसका हेरंगी, अकरावती, अमरावती, भवानी, कवानी। हेरंगी, अकरावती, अमरावती, भवानी, कवानी, इसके ट्रिब्यूटरीज है कावेरी का। और कावेरी डिस्प्यूट के बारे में हमने आपको वहां पे बता दिया था, यहां पे मैंने लिखा नहीं है तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा डिस्प्यूट को, कि केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडिचेरी के बीच कावेरी नदी के जल बंटवारा को लेकर के हमेशा से डिस्प्यूट रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलग से एक प्राधिकरण भी निर्माण कर दिया, एक अथॉरिटी का निर्माण कर दिया, ट्रिब्यूनल का निर्माण कर दिया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कावेरी नदी को लेकर के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदी था जो हम लोगों ने पेनिनसुलर रिवर के बारे में आपसे जिक्र किया, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नदी जो हमने आपको पेनिनसुलर रिवर के बारे में आपको मैंने आपको बताया। यहां पर हमने भारत की नदियों के बारे में बात किया है, पहले हिमालयन रिवर के बारे में बात कर लिया, फिर पेनिनसुलर रिवर के बारे में बात कर लिया। हिमालयन रिवर को गंगा, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्रा के रूप में हमने देखा, और पेनिनसुलर रिवर को अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल की तरफ बहने वाली के रूप में हमने देखा। हमने कुछ इंपॉर्टेंट नदी के बारे में बात भी किया, जिक्र भी किया, मैप पे भी दिखाया। उसके बाद छोटी छोटी बहुत सारी नदियां हैं, तो आप क्या करेंगे अगर पढ़ते हुए एग्जाम का क्वेश्चन लगाते हुए छोटी नदी मिल जाए तो मैप पे उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए जिस तरीके से मैंने बताया है। इससे क्या होगा कि वो छोटी नदी हमेशा के लिए आपको याद रह जाएगा। ये एक तरीका होता है हमेशा मैपिंग करने का, ये एक तरीका होता है अपने आप को अपडेट करने का। खुद को हमेशा अपडेट करते रहिए, ठीक है, एग्जाम के क्वेश्चन लगा करके। क्वेश्चन जरूर बनाइए, क्वेश्चन लगा के अपडेट कीजिएगा तो क्वेश्चन भी याद हो जाएगा और नए फैक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। पढ़ के अपडेट कीजिएगा तो पढ़ तो आप जीवन भर रहे हैं, क्वेश्चन लगाना सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा तब तक एग्जाम नहीं निकलेगा, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन बनाने से क्या होता है कि आप कितना जानते हैं वो समझ में आ जाता है, और जो नहीं जानते हो वो क्वेश्चन में भी बन जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर एग्जाम में आप जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका लगाया हुआ रहता है और वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो बना बनाया क्वेश्चन आपके लिए आ गया, कुछ भी स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमेशा हर टीचर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉलो करने के लिए कहेगा, और हमेशा ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो भारत नदी को हम यहीं रोकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।